मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज एक नया जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं हम, ग्रुप टू का एक और पेपर जिसका क्या नाम है सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये दोनों ही पेपर आपको मालूम होगा आपका लास्ट पेपर है एग्जाम का, और कल होने वाला है मई वाले लोगों के लिए। कल यानी कल 17th है, और कल मई 24 वाले जो एग्जाम्स दे रहे थे उनका कल FMSM का एग्जाम है, उसके बाद सितंबर में है, फिर वापस जनवरी में। मैं जानता हूं यहां जितने लोग बैठे हैं मैक्सिमम लोग जनवरी वाले हैं, बट शायद कई लोग सितंबर के हिसाब से भी बैठे हैं। है कोई तो प्लीज रेज योर हैंड कि सर हमें सितंबर में देना है। एक दो यहां बैठे हैं अभी सितंबर वाले। ओके, सितंबर वाले लोग के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो में अनाउंसमेंट कर दिया था कि कैसे क्या कब क्या करना है आप लोग को, और वो सारी बातें आपको ऑलरेडी नोन है। जल्दी आइए प्लीज। और अभी हम लोग जो बात कर चुप, बातचीत नहीं, यहां ध्यान। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है सर, टोटली हम लोग नया सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें FMSM इज आवर पेपर नंबर 6। वेरी गुड। और ये जो पेपर होता है ना, इस पेपर के साथ कई खास बातें हैं जो पहले मैं बताना चाहूंगा। मेरे को अपने बारे में बताने का कोई शौक नहीं है, और ना मेरे को लगता है दरकार है वो सब। हमें जो दरकार है हम वो बता देंगे। हाँ, मेरे को आप जान जाओगे क्लासेस के दौरान, और कुछ नहीं। आइए हम बताते हैं आपको पेपर 6 का अहमियत और क्या है इस पेपर 6 में। ऑलरेडी आप ग्रुप 1 के 3 पेपर और ग्रुप 2 के 3 पेपर से वाकिफ है, बट शायद पेपर 5 विच इज ऑडिट, जिसके बारे में अभी आपके पास इतना नॉलेज नहीं है या आपने स्टार्ट नहीं किया। तो ये आपका ग्रुप 2 का सेकंड पेपर है जो शायद स्टार्ट हो रहा है, विच इज FMSM। इस पेपर का सबसे खास बात यह है कि यह भी टैक्स जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब टैक्स जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है सर, दो पार्ट में गिवन। तो सर एग्जाम भी क्या दो पार्ट में होता है? यस, आपको आंसर स्क्रिप्ट कैसे मिलेगा सर, दो पार्ट में। आपको आंसर स्क्रिप्ट दो पार्ट में मिलेगा, और आपको FM वाला FM में लिखना है, SM वाला SM में लिखना है, जैसे आपके साथ टैक्स में होगा। टैक्स में भी आपको DT IDT का क्या मिलेगा, दो पेपर, और DT IDT का आपको दो पेपर मिलेगा, जिसमें आपको DT का अलग क्वेश्चन आंसर पेपर में लिखना है और IDT का अलग आंसर पेपर, क्योंकि वो दोनों अलग अलग जगह चेकिंग होने जाएगा। IDT का कोई और करेगा, DT का कोई और करेगा। वैसे ही FMSM का चांस है कि ऐसा होगा। सर चांस है, अभी भी आप बोल रहे हैं 99% चांस है, कल पता चल जाएगा। क्योंकि पहले जब FMSM नहीं हुआ करता था, FMECO हुआ करता था, तब एक ही पेपर था, एक ही पेपर था, और उस समय एक ही साथ चेकिंग होने जाता था। बट सिंस अब FMSM कर दिया है, तो 99% चांस है कि वो लोग इसको भी दो पार्ट में ब्रेक करेगा। तो सर उसके बारे में कब पता चल जाएगा? कल पता चल जाएगा। 99% चांस है दो पेपर मिलेगा। तो उस तरीके से जब वो दो पेपर मिलेगा आपको, तो दोनों पेपर में आपको 50 नंबर उधर, 50 नंबर उधर। बाय द वे, क्या सर MCQ इस पेपर में भी है? बिल्कुल। कितने नंबर का है सर? वही 30 नंबर। और वो 30 नंबर का MCQ में आपको मालूम होना चाहिए, अब अगर सेग्रीगेट किया जाए तो 15-15 हिसाब बैठता है, एग्जैक्ट 50-50%, तो एग्जैक्ट 50-50% आता है। तो सर अब ये 15 नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है? दो नंबर के 7 क्वेश्चंस रहते हैं, यानी क्या बताइए, 14 मार्क, और एक मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा MCQ में। ये जो दो नंबर के 7 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से एक सेट 5 क्वेश्चंस का रहता है जिसके 10 मार्क्स रहते हैं, जैसे अपना कॉस्ट में भी आएगा, तो एक पूरा 10 नंबर का एक सम्स आएगा। जो अगर आपने पिछले बार वाला पेपर देखा हो, अभी जो मई में गया, उसमें पहला कॉस्ट शीट था, अगला स्टैंडर्ड कॉस्टिंग था, तो वो 10 नंबर का एक सेट है, दो 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 करके। वैसे ही FM में भी एक पूरा सेट आएगा 10 नंबर का, दो 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 करके, दो क्वेश्चंस रैंडमली कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग, दो दो मार्क का, और एक क्वेश्चन वो लोग क्या पूछेगा बताइए आपको, एक मार्क का। ऐसे FM में सेम गोज विद SM, और SM की बातें हम SM के क्लासेस में करेंगे, बट मैं आपको पेपर पैटर्न एक बार समझा रहा हूं। इसके लिए आपको OMR शीट मिलेगा, जिसमें आपको सर्कल करना है नॉर्मली, जैसे आप पेंसिल से या ब्लैक पेन से करते हैं, ज्यादातर चांस आप पेंसिल से करिएगा। इसके बाद आता है हमारा 35 मार्क्स का FM और 35 मार्क्स का SM। 35 मार्क्स का जो FM बचा, आप खुद सोच सकते हैं सिर्फ 35 मार्क्स का बचा। अब 35 मार्क्स के लिए कितने ही क्वेश्चंस बन सकते होंगे सर? एग्जैक्टली अगर मैं 35 मार्क्स का बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 1 विल बी ऑफ 15 मार्क्स।
जिसमें तीन क्वेश्चंस रहेंगे पांच 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 नंबर के, फ्लैट सिस्टम है। तीन क्वेश्चंस रहेंगे कितने बताइए, पांच 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 नंबर के, और उस पांच 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 नंबर का तीनों क्वेश्चंस प्रैक्टिकल रहने वाला है। तो वहां 15 नंबर और खत्म। अब कितना नंबर बचा बताइए, 35 में 15 गया तो 20 नंबर। ये 20 नंबर अगेन सेग्रीगेटेड है आपके FMSM का पेपर के लिए, थोड़ा यूनिकली। बाकी पेपर का अलग तरीका था, 14 मार्क्स का सेट था, इधर सेट है 10-10 नंबर का। कितने का सेट है बताइए, यानी 10 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसे कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, गलत तीन, एक क्या मिलेगा बताइए, ऑप्शन तीन मिलेगा और दो करना है आपको। उस तीन में दो अगेन फुल प्रैक्टिकल रहने वाला है, एक FM का थ्योरी रहता है, जो जैसे हमने कॉस्ट में बोला लोग स्किप ही करते हैं, और FM में तो पक्का स्किप करना चाहिए, क्यों 50 नंबर का तो पूरा बाद में क्या अटेम्प्ट करना है बताइए, थ्योरी। तो हम चाहते नहीं है कि FM में भी थ्योरी अटेम्प्ट करें, जिससे हमारा मार्क्स थोड़ा सा एग्रीगेट में कम हो जाए। तो हम FM को तो पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच से ही सीखते हैं, और फिर भी जो वो थ्योरी होता है वो भी ऐसा कोई 30 मार्क खाने वाला थ्योरी नहीं होता, एकदम आराम से करने लायक थ्योरी होता है, अगर आप थोड़ा भी पढ़ के जाएंगे तो कर पाएंगे, बट फिर भी हम प्रैक्टिकल अप्रोच पे ध्यान देंगे। अब सर सोचो, दो क्वेश्चन 10-10 नंबर, तो क्या पैटर्न में आ सकता है, या तो 10 नंबर का एक पूरा, या अगेन 5+5, या 6+6, 4। अब अगर 6+4 भी पकड़े, 5+5 भी पकड़े, कितने सम्स पूछ सकते हैं वो लोग बताइए इस सेट में, 4, मतलब दो इधर 4, और पहले कितना पूछ लिया वो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी में 3, कितना हो गया 7, कितना हो गया 4 और 3 कितना हो गया 7। 7 क्वेश्चन मैक्सिमम क्या आ सकता है बताइए प्रैक्टिकल, यानी 7 या 7 से कम आएगा, जहां तक है 6 आता है, एक 10 नंबर का क्वेश्चन भी देता है। तो अगर 6 क्वेश्चन ही आने हैं तो चैप्टर भी सर कम होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चैप्टर्स कितने हैं सर हमारे सिलेबस में FM को लेके, सर हमें बुक नहीं मिला अभी तक, सब मिल जाएगा डोंट वरी, ऑनलाइन लाइव सबको सुनाई दिखाई दे रहा था, प्लीज बताएंगे, और जो मैं बात अभी कर रहा हूं प्लीज इस पे ध्यान देंगे। ये है हमारे 9 चैप्टर्स, किस में बताइए FM, बिना बेसिक्स के 9 चैप्टर, यानी देखा जाए तो 10, क्योंकि हम तो एक क्या कराते हैं बताइए बेसिक्स, वो भी एक चैप्टर लाइक ही है 6 क्लास का, तो वही चला जाता है। तो बेसिक्स अगर बात करें तो बेसिक्स के साथ ये मिला के होते हैं 10 चैप्टर, और आना कितना क्वेश्चन है बताइए 7। अब 6 से 7 क्वेश्चन में पक्का कुछ तो ये लोग क्या करेगा, बाईपास करने का कोशिश करेगा कि नहीं ये छोड़ देते हैं, ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो एनालिसिस हम क्लास के दौरान करते रहेंगे। मतलब FM में थोड़ा बहुत वाला जो बात है ना कि पेपर जो है वो बहुत ही प्रेडिक्टेबल रहता है कि अरे यही आना है, यही आएगा पक्का, ये चैप्टर से तो आना ही आना है, तो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल रहता है। और तो और आप पेपर साइज से, चैप्टर के साइज से, आप चैप्टर के पेज नंबर से ये भी देख सकते हैं कि जहां की कॉस्ट इतना बड़ा बड़ा था, सम्स इतने सारे थे, बड़े बड़े बुक थे, अकाउंट्स के इतने मोटे मोटे बुक थे, FM के उतना मोटा बुक नहीं मिलेगा आपको। क्यों सर, FM के सम्स के साइज बहुत छोटे होते हैं, जैसे मैथ्स के सम्स होते थे, सम्स बहुत छोटा बट सॉल्यूशन सर बाप रे बाप करने में हालत खराब हो जाता था। तो वही FM का साइज जो होगा ना सम्स का, वो आप जैसे ही मैं आपको बुक्स के पेजेस दिखाऊंगा आप बोलोगे यार जैसे ये 30 क्वेश्चंस का है, बट फिर भी देखो पहले ही पन्ने में 3 क्वेश्चन आ गए, तब क्या साइज ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी लो, उसके कारण आप ये देख सकते हो अब हम सबको बोल देंगे कि अर्जुन भैया बुलाया जाएगा, अर्जुन बदमाश लड़का है, एक नंबर का, ये इसको पीटेंगे अपने मिलके। आइए, यहां था हमारा जो मैंने आपको बताया कंटेंट पेज का बात, जहां पे 9 चैप्टर्स हमें टोटली करने हैं, और इस 9 चैप्टर्स में हम देखा जाए तो टोटल में जितने क्लासेस लेने वाले हैं वो अप्रोक्सीमेटली बहुत ओके है सर, कितना होगा, करीब करीब 50 से 55 क्लासेस लगेंगे हमें FM कंप्लीट करने में। तो सर SM भी 50 नंबर का है, उसमें भी 50 से 55 लग रहा होगा, ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज इट इज अ बिट थ्योरेटिकल, उसमें टाइम क्या लगेगा कम, सर कितना टाइम लगेगा, 25 से 27 क्लास लगेगा उधर, और इधर 50 से 55, मैं एक एवरेज 50 पकड़ता हूं और वहां 25 ही पकड़ता हूं, तो मिला के कितना हुआ सर 75 क्लासेस का जर्नी है।
अभी जो हम ये 75 क्लासेस का जर्नी कर रहे हैं, हम कॉस्ट में पूरा 100 नंबर के लिए अराउंड 100 क्लास का जर्नी किए हैं, करेंगे, हुआ भी नहीं है तो अभी करेंगे, तो 100 क्लास का जर्नी कंप्लीट होगा वहां, यहां 75 क्लासेस में कंप्लीट हो जाता है। और इस वजह से मैंने सितंबर बैच के लिए भी ये बैच अनाउंस किया, क्योंकि मैं FM तो पूरा का पूरा लाइव बाय 10th अगस्त या उससे पहले ही कंप्लीट करवा दूंगा, और उनका एग्जाम सितंबर में कब है अभी तक पता भी नहीं है, बट जो भी है मेरे को लगता है 2, 4, 5 जब से स्टार्ट होगा आपके पास एक महीना समय रहेगा एग्जाम से पहले रिवीजन करने के लिए भी। तो FM तो पूरा का पूरा लाइव हो जाएगा उनका, SM मैंने उनको पहले भी बोला आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, बट जो जनवरी 25 के लिए देने वाले हैं जो कि मैक्सिमम लोग हैं यहाँ, उनके लिए पूरा लाइव है। और तो और FM के बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, FM इसलिए पहले करा रहे हैं जैसा आप समझ सकते हैं क्योंकि हमें सितंबर वालों लोग को रिलीज करना है, और ताकि उनका कुछ तो कम से कम पूरा लाइव हो सके इसके लिए मैंने ये तरीका अपनाया। क्योंकि कॉस्ट ऑलरेडी मेरा रनिंग बैच चल रहा है जिसमें 4 चैप्टर या 3 चैप्टर बचा है, तो वो लाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको वो वीडियो मिला, SM वीडियो मिला, तो मैं चाहता हूं FM तो वो मेरे साथ आके लाइव कर ले। सेकेंड बात आता है सर, ये जो FM की क्लासेस होंगी ये किस टेन्योर में और किस तरीके से आप कंप्लीट करेंगे, तो मैंने आपको ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि हमारा अल्टरनेटिव डेज क्लास चलेगा कितना बजे सर, 11 बजे। बट ये जो अल्टरनेटिव डेज क्लास चल रहा है 11 बजे ये हमेशा के लिए नहीं है, ये अगले 2-3 वीक तक है या फिर जब तक मेरा कॉस्ट नहीं होता तब तक है। सर कॉस्ट होने का टारगेट कब तक है आपका, मोटा मोटी 10 तारीख या 15 तारीख के बीच में, तो 10-15 जून तक जैसे ही अपना क्या कंप्लीट हो जाता है बताइए, कॉस्ट कंप्लीट हो जाता है तब हम क्या कर देंगे बताइए, FM लगातार कर देंगे। बट मेरे को लगता है थोड़ा 10 नहीं 15 नहीं 20 भी जाए तो कोई अपने को चाप नहीं है, ये पक्का है 10 अगस्त तक क्या हो जाएगा बताइए, FM कंप्लीट, और जून में क्या हो जाएगा, कॉस्ट कंप्लीट। तो सितंबर वाले भी खुश और जनवरी वाले भी खुश, अपने को सबको लेके चलना, तो उस हिसाब से बात आपको बता दिया। अब सर हमें किताबें कितनी मिलेंगी, एक जैसा आप देख सकते हैं ये किताब मिलेगा जिसका क्या नाम है सर, FM का मेन मैट, एक मिलेगा FM का डे बिफोर एग्जाम बुक जो कि मैंने अलग तरीके से इस बार बनाया, जैसे कॉस्ट का डे बिफोर एग्जाम बुक मैंने कुछ शायद 70-80 पन्ने में कवर किया और उसके बाद थ्योरी भी डाला है उसमें, क्योंकि कॉस्ट का थ्योरी जैसे मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, लोग कवर करने का कोशिश करते हैं ताकि पेपर को जल्दी कंप्लीट कर सके, बट FM का थ्योरी मैंने थोड़ा यूनिक स्टाइल से बनाया, जैसे आप लोग का टैक्स का वो रहता है क्या बोलिए तो चार्ट बुक्स, तो वैसे मैंने ड्रॉइंग बुक चार्ट बुक टाइप का बुक बनाया जिसमें 12 पन्नों में मैंने पूरा FM लिख दिया है, और वो 12 पन्ने का चार्ट बुक आपको एकदम ड्रॉइंग कॉपी जैसे मिलेगा, एकदम ड्रॉइंग कॉपी जैसे वो भी आपको मिलेगा जिस दिन आपको बुक इशू किया जाएगा। और थर्ड बुक हमारा अभी रेडी है जो है SM का मेन मैट, जिसमें आपको कोर रीडिंग मैंने उसको बुलाया, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा मेन पाथ पढ़ने वाले हैं, वो SM का बुक होगा। एक चौथा बुक और मिलेगा आपको SM का विच इज क्वेश्चन बैंक, और वो क्वेश्चन बैंक वाला जो बुक है वो आपको बाद में मिलेगा क्योंकि वो अभी ऑन प्रोसेस है, क्योंकि अभी आपको मालूम है ये जनवरी में अटेम्प्ट था जिसके साथ साथ ये SM लागू हुआ हो FM के साथ और मैंने पढ़ाना चालू किया था। ऑल्दो SM में पहले 2 बैच से CMA को पढ़ा रहा हूं, बट CA का पहला बैच पढ़ाया था बिकॉज टाइम ही नहीं था, पहले तो इकोनॉमिक्स था ही, बट जब अब FM के साथ जुड़ गया तो मैं पढ़ाने भी लग गया CA के लिए, और मे को मैंने पहला बैच CA इंटर के रूप में पढ़ाया। आप हमारे सेकेंड बैच होने वाले हैं जो SM पढ़ेंगे, बट ये SM का क्वेश्चन बैंक जो है वो ऑन प्रोसेस है, वो रेडी हो रहा है और आपको जरूर मिलेगा, इवन सितंबर एग्जाम वाले लोग को भी मिलेगा। तो वो क्वेश्चन बैंक जैसे मिल जाएगा आपको, क्या करना है सर, जैसे ही हम कोर रीडिंग करते हैं हम उसका क्वेश्चन बैंक से इंस्टीट्यूट द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आंसर्स कैसे प्रेजेंट करें वैसे लिखना, जैसे आपके साथ लॉ में होता है कि आप लॉ का सर के साथ पढ़ाई कर लेते हो और उसके बाद आप क्या करते हो सर कि एग्जाम में कैसे लिखना उसके लिए आप RTP MTP या आपका जो क्वेश्चन बैंक आपको लॉ का मिलता है उससे देख के समझ लेते हो, वही काम आपको यहां पे भी मिलेगा। क्या डन है सबको इतना सा बात, तो इस तरीके से हम अपना पूरा जर्नी कवर करने वाले हैं और ये है FM का बात। सर बड़ा लाइट लग रहा है माहौल और बड़ा आराम से लग रहा है कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल बड़ा आराम से कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन का कोई बात नहीं है, बड़ा ही लॉजिकल चैप्टर है, सब्जेक्ट है, और सच बताऊं आधा से ज्यादा लोग यहां जो बैठे हैं उनको अपना करियर शायद कहीं ना कहीं मन है कि कुछ फाइनेंस में ही बनाना है कि नहीं बताइए, मन में है कहीं, भले ही कुछ नहीं मिले आगे, मतलब फाइनेंस का काम ना मिले, हो सकता है घर का फाइनेंस संभालने मिले कि कल आलू कितने का लाए और प्याज कितने का लाए बता दो, हाउस होल्ड फाइनेंस, बट फिर भी फाइनेंस सीखने का तो इच्छा है सर, और चाहते भी यही है कि आगे जाके जब लाइफ में हम कुछ करें तो हम कुछ फाइनेंस रिलेटेड करें, ऑफ कोर्स
और ये एक फ्लेवर है जो कि आपको देगा अल्टीमेटली फाइनेंस के रूप में पूरा समझने के लिए। जैसे कई लोग यहां बैठे थे बाई डिफॉल्ट सीए करने, मतलब सीए वॉज नॉट आवर ऑप्शन सर, सीए वॉज गिवन अस बाई डिफॉल्ट। हमारा तो मन था एमबीए करने का, हमारा तो मन था सीएफए करने का, हमारा तो मन था एफआरएम करने का। वो तो झक मार के माँ बाप बोले कि कुछ क्या करोगे और सीए ही पढ़ लो, तो सीए में चले गए। तो मैं आपको बता दूं, ये वो जो आपका पूरा बात है, क्या बताइए कि हमको एमबीए में फाइनेंस करना है, हमको सीएफए करना है, उसके लिए आप समझ लीजिए स्टेपिंग स्टोन है एक, जिसके थ्रू अगर आप ये एफएम का सब्जेक्ट को अच्छे से सीखते हो तो आने वाले टाइम पे जब आप आर्टिकलशिप करोगे, जैसे आपके सीनियर्स जो अभी कर रहे हैं जिन्होंने नवंबर 23 में एग्जाम क्लियर किया, वो अब कोई ना कोई उसमें से 50% बच्चे कोई ना कोई फाइनेंस लाइन में अपना पढ़ाई और कंटिन्यू कर रहे हैं अलॉन्ग विद आर्टिकलशिप। और यस, दिस इज द टाइम जिसके बाद आप डिसीजन लेते हो कि आपको और कोई कोर्स साथ साथ में करना चाहिए कि नहीं, कि आप सिर्फ सीए करना चाहते हो, अच्छे से आर्टिकलशिप करना चाहते हो कि नहीं सर मीडियोकर फॉर्म में आर्टिकलशिप करेंगे, सीए करेंगे और साथ ही साथ एक एडिशनल कोर्स भी करेंगे। तो ये सबका अपना अपना मान्यता होता है और उस हिसाब से हम आफ्टर गिविंग आवर सीए इंटर एग्जाम्स एंड गेटिंग इनटू सम आर्टिकलशिप फर्म्स वी विल डिसाइड व्हाट टू डू फर्दर। जैसे अभी मई वाले लोग डिसीजन लेंगे, जैसे कल का एग्जाम खत्म होता है सर आगे क्या करे, कल देखना आप बोलेंगे, बच्चा लोग आएगा बोलेगा सर आगे क्या करे ये बताइए। तो ये जो आगे क्या करे वाला सिनेरियो आपके साथ भी होगा सितंबर और जनवरी में, और उस समय अपने बातचीत करेंगे कि सर क्या इंटरेस्ट बना हमारा, क्या हमारा इंटरेस्ट लॉ के तरफ गया, क्या हमारा इंटरेस्ट ऑडिट के तरफ गया, क्या हमारा इंटरेस्ट फाइनेंस के तरफ गया, क्या हमारा इंटरेस्ट टैक्सेशन के तरफ गया। उस हिसाब से हम अपने आगे का आर्टिकलशिप का जर्नी और पढ़ाई का जर्नी डिसाइड करेंगे। तो अगर ये सब्जेक्ट अपने सीखते हैं तो आप समझ लो जो आपके मन का अंदर का बात था पहले बचपन में कि हमें ये करना है, फाइनेंस में कुछ करना है, पैसा ज्यादा कमाना है, तो वो चीज यहां से सीखोगे। और आगे जाके ये एक पूरा पेपर वापस से बनने वाला है 100 नंबर का AFM, और वो भी शायद आपको एक मतलब होता है ना कि जिनके ये ना रहे, थोड़ा थोड़ा आ गया तो ये ना रहे वैसा ही लोग पढ़ाए, बट हाँ उस समय शायद बाल आ जाए, तो वो तरीके से पढ़ाया जाएगा, चिंता मत करो, चुप रहे तो टेंशन मत लीजिए आप लोग। और हाँ 100% आपके बैच में तो मैं ही पढ़ाने वाला हूँ वो पेपर, बिकॉज ये जो मेन अटेम्प्ट वाले लोग निकले हैं इमाम मचा के रखे हैं मेरे पीछे, मेरे पीछे हाथ धो के बैठे हैं वो लोग कि नहीं आप नहीं करेंगे। इवन नवंबर 23 वाला लोग सब पहले एफआर ले लिया ये सोच के कि एसएफएम और एएफएम नहीं लेंगे जब तक आप चालू नहीं करेंगे। तो पहले अविनाश सर एफआर पढ़ाना भी पहला बैच चल रहा है उनका, तो उनको वो दिलवा दिए, हम बोले रुको 6 महीना रुको हम चालू कर रहे हैं, तो 6 मंथ्स लेटर वी विल स्टार्ट दैट, और वो लोग वाले बैच होंगे जो लोग पढ़ेंगे और आपके लिए भी वो रेडी हो जाएगा जब तक। तो गाइस आप लोग जो ये फाइनेंस पढ़ने वाले हो इसको बड़ा आराम से पढ़ना है और टेंशन लेना नहीं है, जैसे कि कॉस्ट में नहीं लिए हैं वैसे यहां पे भी नहीं लेना है, सिर्फ सीखते रहना है, खुद से ट्राई करते रहना है, देखना आगे बढ़ते रहेंगे, क्या डरने सबको। आइए आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंस के साथ, और सबसे पहले वही लिखेंगे पेपर पैटर्न, कॉपी में हेडिंग देंगे सारे बच्चे पेपर पैटर्न, क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बात है और ये लिखना बहुत जरूरी है जिससे आपका माइंडसेट चलेगा कि जब भी हम कोई सम्स करेंगे हम किस एंगल से करेंगे। जैसे कि कॉस्ट में हम जानते हैं हम आइए 7 नंबर 10 नंबर का सवाल देख सकते हैं, बट अकाउंट्स में हम 14 नंबर का भी सवाल देख सकते हैं, और जैसा आपने पेपर में देखा होगा आया भी 3 क्वेश्चन 14-14 नंबर का, बट एफएम में कभी चाहा के भी ऐसा नहीं होगा। तो ऑफकोर्स द साइज ऑफ द सम्स, जो सम्स का क्वांटिटी है टाइम है वो ऑफकोर्स क्या होगा कम होगा। तो लिखेंगे सब कोई क्या बताइए, फर्स्ट पॉइंट एफएम से रिलेटेड पेपर पैटर्न। लिखिए पार्ट ए एफएम के अंदर सेक्शन नंबर वन याद नहीं रखना है कि मेरा सेक्शन नंबर वन है, कोई क्लॉज नंबर इतना सब सेक्शन इतना कुछ नहीं, सेक्शन नंबर वन MCQ जिसमें 2 × 7 = 14 प्लस 1 × 1 = 1 समिंग अप टू 15। डन है एवरीबडी,
बच्चे पूछ रहे हैं बाल क्यों हटवाए, बोले ना एफएम पढ़ा रहे तो एफएम जैसा लगना होगा कि नहीं। बताइए एमसीक्यू लिख लिए क्या सब कोई पक्का? तो ये एमसीक्यू वाला बात हुआ, लिखिए। ये कंपलसरी होता है, क्या होता है सर ये कंपलसरी। नेक्स्ट हुआ आपका सेक्शन टू, जिसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और उस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर वन इज अगेन कंपलसरी, और वो रहने वाला है फिक्स्ड पैटर्न 5 × 3 = 15 मार्क्स, फुल्ली प्रैक्टिकल। यहां पे ये 14 फुल्ली प्रैक्टिकल है, एक हाईएस्ट क्या आ सकता है थ्योरी, पी और टी मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरी। डन। फिर क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर फोर में 2 और 3 विल बी प्रैक्टिकल, 4 विल बी थ्योरी। ईच क्वेश्चन वुड बी ऑफ 10 मार्क्स। अटेम्प्ट कितना बताइए? एनी टू। डन। ये 10 मार्क्स का जो पैटर्न है ना, वो भी जनरली 6+4 या फिर आप समझ लो 5+5 पे टूटा हुआ रहता। और जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है ना 4, उसमें तो और अच्छा पैटर्न रहता है, और टूटा हुआ रहता है 4+4+2, मतलब थ्योरी पूछ रहा है तो ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा और कम कम मार्क्स पूछ पाएगा, तो 3+3+ ऐसे 4 ऐसे करके 3+3+2+2 इस तरीके से 4 क्वेश्चन पूछने का कोशिश करेगा। तो हम जनरली एफएम में ये 3 अटेम्प्ट करते हैं और इससे हम 100% पेपर एफएम का अटेम्प्ट कर लेते हैं। एज यू ऑल नो एमसीक्यू में हमारा कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो लास्ट में जाते वक्त गोला तो पक्का बना के आना। बोलो डन है। ये किसका पैटर्न हुआ बताइए? एफएम का। डिटो सेम पैटर्न है किसका बताइए? एसएम का। बट देखिए वहां लास्ट क्वेश्चन का खास बात क्या है, लिखेंगे सब कोई पार्ट कौन सा बताइए? बी। क्या बताइए? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और इसके अंदर सेक्शन नंबर 1 लिखेंगे सारे बच्चे एमसीक्यू कंपलसरी सेम पैटर्न। क्या बताइए? 7 × 2 = 14, 1 × 1 = 1, टोटल 15, एकदम सेम पैटर्न। अगेन क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी जो कि सेक्शन 2 में आता है, और ये आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट जिसमें आपका रहने वाला है 5 × 3 = 15, जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चन रहते हैं। सर मिक्स्ड मतलब सर केस सिनेरियो एंड डायरेक्ट, मतलब सर कुछ आपको केस सिनेरियो टाइप क्वेश्चन बोल देगा और कुछ डायरेक्ट। केस सिनेरियो ऐसा कुछ तगड़ा केस सिनेरियो नहीं होता, केस सिनेरियो का मतलब वही होता है कहानी पहले लिखा हुआ रहेगा, अल्टीमेटली लिखना तो वही सब बात है जो डायरेक्ट क्वेश्चन में, बस कहानी से समझना अच्छा इस क्वेश्चन में ये मांगा है। क्या डन है सबको इतना सा बात? क्वेश्चन नंबर 2/3/4 इस बार इसलिए साथ में लिख रहा हूं क्योंकि इनका पैटर्न डिट्टो सेम है ऑलवेज, 5+5 ईच पक्का, यहां कोई और पैटर्न नहीं है। मतलब हर एक क्वेश्चन 10 नंबर वाला कितने में टूटा हुआ बताइए? 5+5 5+5 5+5, जिसमें आपको कितना अटेम्प्ट करना है सर? एनी टू। तो यहां भी हमें सिर्फ 7 थ्योरी क्वेश्चंस लिखने हैं, सिर्फ 7। और चैप्टर्स कितने हैं सर एफएम में? 5, एसएम में 5, 5 चैप्टर्स से 7 क्वेश्चंस। तो ऑफ कोर्स वेटेज वैसा ही है, अगर 5 क्वेश्चन है 50 नंबर है, नहीं अराउंड 10 नंबर हर चैप्टर, और 10 नंबर भी नहीं तो सर ज्यादा है, एक क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा, तो 12 नंबर हर चैप्टर, तो कुछ एमसीक्यू आएंगे कुछ उससे डायरेक्ट आएंगे, तो वैसे करके अगर देखा जाए तो हमें 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और वहां आराम से। जैसे आज ही मेरे से सुबह सुबह बात हो रहा था एक बच्चे का, 9:30 बजे फोन आया कि सर सिलेबस तो लग रहा है कंप्लीट हो जाएगा बट एसएम का जो लास्ट वाला चैप्टर है ना वो थोड़ा कम याद हो पा रहा है, तो क्या छोड़ दे? तो मैंने उनको यही बोला एक बार रीड करके चला जा, क्योंकि ऐसे भी तुम बिना वो किए भी क्या कर सकता है बता, पेपर अटेम्प्ट कर सकता है, हाईएस्ट तेरा 3-4 नंबर का छूटेगा।
तो वो भी ठीक है, देख लेंगे कुछ रीड किया हुआ वैसे याद आ जाए तो, क्योंकि लास्ट मोमेंट में अगर तुम डर रहे और तुमको लग रहा है उसके वजह से तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा तो अब भूल जाओ कि वैसा कोई सिलेबस में है। पहले पढ़ के रखा था बट बोला सर अभी थोड़ा डल लग रहा है उस चैप्टर को लेके, तो मैं बोला उसको थोड़ा लाइट ले ले, रीड कर लेना लास्ट डे सुबह सुबह जाते वक्त, अगर लगे कि कुछ पढ़ा हुआ याद आ गया लिख लेंगे, नहीं आया तो छोड़ देंगे, चार नंबर का छूटेगा, पांच नंबर का छूटेगा, 95 नंबर तो फिर भी अटेम्प्ट हो जाएगा। सर क्या इस पेपर में भी समय का क्रंच होगा? क्या लगता है पेपर पैटर्न देख के? चलिए आप लोग तो बहुत एनालिसिस करना जानते हैं, क्या इस पेपर में समय का क्रंच होगा? सच बताऊं तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों पता? ये एक लौता पेपर है जो बहुत जल्दी कंप्लीट होगा, जस्ट बिकॉज एफएम के सम्स बहुत छोटे होते हैं, ज्यादा बड़ा पढ़ने में भी नहीं और ज्यादा बड़ा लिखने में भी नहीं। जबकि कॉस्ट और अकाउंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या था पता? था तो प्रैक्टिकल बट एक ही क्वेश्चन ढाई ढाई पन्ना, दो दो पन्ना, डेढ़ डेढ़ पन्ना तक चले जाता था, जिसके वजह से पहले तो पढ़ के ये समझना कि बाप रे बाप लिखे क्या, डेटा क्या इकट्ठा करे, सम्स कैसे करे, वो एक प्रॉब्लम था। एफएम के क्वेश्चन ही बहुत छोटे छोटे होते हैं और एकदम डायरेक्ट रहते हैं, जिसमें अपने को ज्यादा लोड लेने का नहीं होता। तो जनरली ये जो एफएम का पेपर होता है ना, वो बच्चा लोग करीब करीब एक घंटे से एक घंटा 15 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कल होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ऐसा ही हुआ। और फिर एसएम के लिए उनके पास बचता है 2 घंटा से 1 आवर 45 मिनट्स, जिसमें कितना ही लिख लेंगे क्योंकि 35 नंबर ही तो लिखना है, बाकी तो 15 क्या है बताइए एमसीक्यू, 35 नंबर के लिए तो सिर्फ लिखना है, वो भी लिखने में वो लोग 1 घंटा लगा देंगे। तो पेपर में काफी टाइम बचता है एफएमएसएम में, यानी एफएमएसएम अगर आप स्लोली करते हैं, आराम से करते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं दिखाते हैं तो भी हो जाता है। बट कॉस्टिंग और अकाउंट्स में यही थोड़ा दिक्कत होता है, पेपर छूटता है अगर हम थ्योरी अटेम्प्ट नहीं करते हैं, हम शुरू में टाइम लगा देते हैं सम्स करने में तो। बट एफएमएसएम में ये कोई दिक्कत नहीं आएगा। बट डिसएडवांटेज क्या है इस पेपर का? एनीबडी? वेरी गुड, वेरी गुड। एनालिसिस करिए आज तक आपके साथ क्या हुआ है। आपने अभी तक एक प्रोफेशनल एग्जाम दिया है सीए फाउंडेशन, जिसमें आपको मालूम है था तो सबसे आसान इकोनॉमिक्स का पेपर, बट वो लास्ट रहता है ना, तो वो जो इज्जत है ना एग्जाम का वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। एग्जाम वाले दिन सुबह सुबह तो इच्छा ही नहीं करता कि और कुछ पढ़े, और बस अब टाइम देखते हैं कि कब वो 4 बजे 2 का 4 हो और भागे बस यहां से, है कि नहीं बताइए? दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस पेपर। और सिंस फाउंडेशन तो चलो 4 ही पेपर था, यहाँ 6 पेपर है, और जो दोनों ग्रुप देने वाले हैं वो क्या होता है ना, वो बहुत एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं आफ्टर गिविंग देयर 5 पेपर्स, और वो भी इससे पहले ऑडिट। ऑडिट देने के बाद तो शरीर का जितना जान रहता है, जितना जान मतलब होता है ना, शरीर के अंदर जितने सेल्स थे जो काम कर रहे थे पढ़ाई को लेके, सबका दम खत्म हो चुका होता है। और फिर इस पेपर के लगता है अरे यार ये तो ऐसे ही आता है, देख लेंगे जैसे होता है, मतलब होता है ना एक लाइटनेस आ जाता है। इस वजह से पहले जब 8 पेपर भी हुआ करता था, ये पेपर क्या था? आखिरी पेपर, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आना चाहिए उसमें एक एवरेज मार्क्स आके रह जाता है, नॉट बिकॉज ये पेपर टफ है, बिकॉज ये पेपर लास्ट है। कॉस्ट में लोग इससे ज्यादा ले आते हैं, एफएम इको में लोग कम लाते थे, जबकि क्लासेस में आप पूछोगे ना पिछले वाले बैच में सब यही बोलेगा, एफएम में ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, कॉस्ट में थोड़ा कम कॉन्फिडेंट थे, अकाउंट्स में थोड़ा कम कॉन्फिडेंट थे, बट मार्क्स अकाउंट्स और कॉस्ट में ज्यादा आ जाता है, एफएम में उससे 5-7 नंबर कम ही आता है। इसका रीजन एक ही है कि ये पेपर कहां होता है बताइए? लास्ट। तो देखो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है और इसको बदलना मेरे हाथ में नहीं है, बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू कि आप हमेशा पूरा 100% दे के पढ़ाई कीजिए। और वही मैंने कल से जो हम लोग क्लासेस में और प्लस टेलीग्राम ग्रुप्स में यूट्यूब में सिर्फ यही बात बोलते हैं कि कैसे अब ये 1.5 दिन में पढ़ना है, वो सारी बातें भी आपको सिखाई जाएंगी। पर पैनिक नहीं करना, आपके साथ हम लोग लास्ट तक है और उस वजह से आप लोग को ये सारी बातें एकदम आराम से क्लियर रहेंगी। अब बात आया सर, पेपर पैटर्न तो समझ में आ गया और आपका पढ़ाने वाला तरीका भी समझ में आ गया कि आप इस तरीके से क्लासेस लोगे, आप इतने क्लासेस कवर करोगे, तो सर आप स्टार्ट कैसे करने वाले हो और आप हमें फाइनेंस के बारे में क्या बताने वाले हो? तो सबसे पहले ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है वो सीखेंगे, और उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें लगेगा बिफोर स्टार्टिंग एनी चैप्टर वो हम स्टार्ट करेंगे। तो आज कॉपी में हेडिंग क्या देंगे सर? बेसिक कॉन्सेप्ट्स। क्या हेडिंग देंगे सर? बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बिना ये किए हम एफएम में आगे नहीं बढ़ सकते। सर याद आ रहा है आप क्या पढ़ाने वाले हो? शायद आप हम लोग को बचपन का जो वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो पढ़ाने वाले हो, वो भी आएगा
बट वो तो सिर्फ दो क्लास है। तो सर बाकी का क्या है? बाकी असली फाइनेंस समझना है। जैसा मैंने बोला, आपका सबका मन था फाइनेंस में जाने का, तो बता दूं फाइनेंस का काम किस तरीके से सोचा जाता है। आइए बताता हूं आपको एक सबसे पहले बड़ा ही आसान सा बात कि एक कोई भी कंपनी में देर आर थ्री लेवल्स ऑफ डिपार्टमेंट, लोअर, मिडल और टॉप। जानते हो आप एक सीए बन गए, एक जोरदार ताली आप लोग के लिए, बताइए बन। मान लो ठीक है, ताली बजाए हो ना पक्का, तो वरना फिर मन में खोट है कि हम बनेंगे कि नहीं, ठीक है ना। तो अब तो सर ये तो वो लग रहा है बोला मैसेज जो नहीं आता था, अगर ये नहीं किया तो ये शायद उस दिन ताली नहीं बजाए थे इसलिए आज तक सीए नहीं बन रहे, सब मन में आएगा इसलिए बोल रहे बजा लेना। अब अभी तक नहीं बजाए तो नीचे से थोड़ा थोड़ा कर लेना कि हाँ ठीक है। तो बताइए ये जो सीए बनने का बात मैंने बोला, मान लो अपने सीए बन गए, अगर अपने सीए बन गए तो आपको क्या लगता है आपको किस लेवल पे जॉब मिल सकता है, या आपको क्या लगता है आपको कहाँ जाने का इच्छा है? जाना तो सीधा टॉप है, जाना तो टॉप, टॉप में जाने से मजा ही कुछ और। टॉप में जाना है, बट टॉप में जाने से पहले कई स्ट्रगल करने पड़ते हैं, कई पापड़ बेलने पड़ते हैं, और वो जो पापड़ और स्ट्रगल करना पड़ता है वो जनरली हम मिडिल लेवल पे करते हैं। एज अ सीए हमें कहीं ना कहीं इनके बीच के कोई डिपार्टमेंट में काम मिलता है, जहां से हम मिडिल लेवल की कुछ बातें टॉप लेवल की कुछ बातों का मिक्सचर सीखते हैं और हम धीरे धीरे वहां पूरा शिफ्ट होते हैं। बट अगर हम सीए के साथ और एडिशनल कोर्सेस कर ले, लाइक स्पेसिफिकली आई विल सजेस्ट एमबीए इन फाइनेंस, तो हमें सीधा एंट्री कहां मिल जाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट में, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस और ले लिया, हमने पढ़ाई और कर लिया, और इस समय हम जो इंटर्नशिप और करते हैं और यहां जो हम दो साल का आर्टिकलशिप रगड़ते उसके थ्रू हमें सीधा उसके बाद कहां मिल जाता है बताइए? टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी हमें असली काम जो एकदम बड़े बड़े कंपनीज करते हैं उधर जाने का मौका मिलता है। एक सीए का पैकेज जो कि करीब करीब 12 से 15 लाख रहता है स्टार्टिंग फ्रेशर के लिए, वो फ्लैट का फ्लैट आपका अराउंड 25 लाख तक पहुंच जाएगा, यानी डबल हो जाएगा अगर आप क्या कर लेते हो बताओ? एक और कोर्स। सर बट दिस रिक्वायर्स टाइम, दिस रिक्वायर्स रिसोर्सेज, दिस रिक्वायर्स योर अगेन वेरी मच डेडिकेशन, जो ऑलरेडी सर हमने 4-5 साल घसा, फिर आप बोल रहे हो 2 साल और पढ़ने, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत हो जाता है। सर अगर हम ये 2 साल ना पढ़े और हम ये 25 लाख अभी फॉरगो कर दे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये 15 को अपने 25 बना लेंगे 3 साल में? बिल्कुल, इंक्रीमेंट, ग्रोथ, स्विच ओवर्स, अच्छा काम करके ऑटोमेटिक ये क्या बन जाएगा बताइए आने वाले 3 साल में? 25 से 30, 40 बनते ही रहेगा। तो वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस्ट है ना, जो कि अपने कॉस्ट में भी सुनते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस्ट है ना, ये जो 2 महीने का 2 साल का मेहनत वो नहीं भी करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर काम अच्छे से कर लेंगे तो ओनली सीए भी कोई पीछे नहीं है। यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि देयर आर 2 वेज टू गेट इनटू टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक बाय गेटिंग इनटू मिडिल लेवल मैनेजमेंट, वर्किंग अलॉट एंड अंडरस्टैंडिंग एंड गिविंग योर एफर्ट्स टू द कंपनी सो दैट दे स्विच यू ओवर टू टॉप लेवल मैनेजमेंट एज सून एज पॉसिबल, और डूइंग वन अदर कोर्स सो दैट यू कैन डायरेक्टली गेट इनटू टॉप लेवल मैनेजमेंट। यही जैसे मैंने बोला, लोगों का 2 साइकोलॉजी होता है पढ़ाई करने का। तो सर जाना तो देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट में, क्योंकि पक्का ये जो आप फाइनेंस मैनेजमेंट सिखाने वाले हो ये कौन लेता होगा बताओ? अच्छा घर का क्या सब्जी लाना है, आज क्या बनेगा आप डिसाइड करते हो, है ना? हम घर के कुल दीपक है, वो थप्पड़ मारेंगी। एक मम्मी का था ना, एक बच्चा छोटा था मोटा था बोलता है हम भी घर के कुल दीपक है, 10 करोड़ रुपया चाहिए हमें, एक थप्पड़ बड़ा 6000 तो दे दो। तो बोलता है क्या कुलदीपक है, कुलदीपक है जो भी है, तुम चुप रहो अभी, तुमको कुछ समझ में तो आता नहीं है, ये करना है वो करना है। तो वो सब चीज का डिसीजन कौन लेते हैं घर में? सर वो हाउस होल्ड के मम्मी लेते हैं। अच्छा बड़े बड़े डिसीजन सर, घर में गाड़ी क्या आएगा, घर कहाँ लेंगे, और सर वो एसी कहाँ से मंगवाना है, एसी कौन सा लाना है, ये सब जो इन्वेस्टमेंट और का काम होता है। अच्छा धंधा क्या करना है, धंधे में किससे परचेज करना है, किनको माल बेचना है, तुम लेते हो, हाँ तुम जाते हो, पापा बताए तुमको सिर्फ टिफिन बॉय की तरह रखते हैं कि
सुनो ना, आज हम टिफिन ले जाना भूल गए थे, उसको बोल देना तो टिफिन ले आएगा। और जैसे ही अपने दुकान में टिफिन लेने जाते हैं, देने जाते हैं, तो अपने जैसे टिफिन रखते सोचे इज्जत से बैठाएंगे पापा लोग, क्या हुआ, हो गया, जाओ अब बैठा क्या है यहाँ। बोला अरे हाँ यार जाना पड़ेगा, ये तो सही बात बोल रहे। बोला यार बैठना है तो बोलो, दो काम भी है, कैंची से काटना है वाला काटेगा। बोला नहीं नहीं जा रहे हम घर जा रहे। अरे मेरे साथ हुआ छोटे में, तो हम बता रहे हैं आपको जो जो कष्ट हम सहे हैं जब हम छोटे थे। तो पापा यही दुकान जाते थे, तो अपने सिर्फ वो टिफिन बॉय की तरह काम देखे कि यार टिफिन ले जाना भूल गए पापा, तो टिफिन दे के आना होगा दुकान। तो उस तरीके से जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, यही बोलना चाह रहा हूँ कि अभी तो हमारा कोई लेवल नहीं है क्या डिसीजन लेने का, बताइए, कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिसीजन लेने का। ऑफ कोर्स वो किसके हाथ में होता है बताइए, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो सर ऐसा क्या करते हैं वो डिसीजन जो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ले सकते हैं, क्योंकि वो अगर कोई डिसीजन में ऊंच नीच कर दे तो क्या पूरा घर गृहस्थी खराब हो सकता है, पूरा बिजनेस धाएं रह सकता है, क्या पूरा पैसे बर्बाद हो सकते हैं। यस, तो अब इन सब चीज को सीखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा आप क्या अपना पॉकेट मनी मैनेज करते हो? सर पॉकेट मनी ये क्या होता है? हम लोग को तो सुबह 20 रुपया मिलता है, बोलता चला लो दिन। ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? 20 रुपया तो नहीं मिलता होगा यार, ऐसा तो मम्मी लोग नहीं करती होंगी ज्यादा, 20-30 रुपया पापा 100 दे देते होंगे, मम्मी के पास फिर जाते होंगे तो 200 पकड़ा देती होंगी। और फिर दादा दादी भी है उनके, अरे पापा बहुत गर्मी है आज थोड़ी ऑटो में जाएंगे, प्लीज उबर का पैसा दे दो ना, तो वही 500 रुपये में। और आज के दिन पे तो तुम्हारे पास जीपे है कुछ भी नहीं, तो ऑटो वाले को क्या लेगा, जीपे दे, मतलब वही उबर वाले को क्या जीपे दे दे, क्या जीपे कर दे, तो क्या है जीपे, खुद का बैंक अकाउंट का एक्सेस तो खुद के पास है, तो बच गए तुम लोग, जीपे दे के निकल जाते हो, है कि नहीं? तो तुम लोग तो जीपे देने में एक्सपर्ट हो। तो अब क्या है तुम्हारे हाथ में तो आ गया एक बहुत अच्छा उपाय कि सर यूपीआई कर देंगे, हाथ में ही तो बैंक अकाउंट है हमारे, तो बच गए। बाबू जब हम लोग पढ़ाई करने जाते थे ना, सुबह सुबह गरजते थे ऐसे कि भाई प्लीज दे दो, गिड़गिड़ाते थे मम्मी के आगे, प्लीज 20 रुपया दे दो, आज 40 रुपया दे दो, आज आज ये खाने का भी इच्छा है, साथ साथ में सिर्फ भाड़ा नहीं लगना है। तो पूछती और थी क्या खाना, हम और अविनाश सर और जो 3-4 दोस्त लोग हम लोग जाते थे ना जब, तो हम लोग ये जो मोंजिनीज जो आज के दिन में मियो मोरे बन गया था, फिर वापस मोंजिनीज भी आ गया, वो मोंगनीज मोंजिनीज जो भी बोलो वो था, और वहाँ ब्लैक फॉरेस्ट केक मिलता था, फैसिनेशन था ब्लैक फॉरेस्ट केक, वाह ब्लैक फॉरेस्ट काला जंगल यही तो खाना था आप सोचो उस समय अविनाश भैया ऐसे थे, उस समय हम नहीं, अविनाश भैया भाई ब्लैक फॉरेस्ट खाना है भाई ब्लैक फॉरेस्ट, हम बोला ठीक है, व्हाइट फॉरेस्ट तब तक आया नहीं था तो ब्लैक फॉरेस्ट खाने लगा, चलो चलो ब्लैक फॉरेस्ट खाएंगे। उस समय मैं याद है वो ब्लैक फॉरेस्ट कुछ 13 रुपया करके एक पीस आता था, 2011 का बात बता रहा हूँ, 2011 या 10 का बात बता रहा हूँ, 10 और 11 के बीच का, 13 रुपया करके एक पीस आता था। और वो एक पीस भी हम लोग 3 से 4 दोस्त लोग शेयर करके खरीदते थे कि सबके पानती कुछ 3.5 रुपया या 3.25 है। अच्छा उस समय 25 पैसा और 25 पैसा चलता था, ऑटो का भाड़ा भी हमारा 6 रुपया 25 पैसा लगता था फ्रॉम उल्टा टांगा टू मान लो शोभा बाजार जाना है तो, मतलब मेट्रो पकड़ने ठीक है ना, तो वो पूरा 6.25 लगता था, ऐसा भाड़ा लगता था। तो जो 6 रुपया 25 पैसा लगता था वैसे केक का हिसाब भी होता था ना, तो एकदम वैसे ही बंटवारा होता था कि भाई तेरा आज 3 रुपया 25 पैसा लगा है, तेरा ये लगा, इकट्ठा करते थे और दे देते थे उसको। मतलब ये स्ट्रगल था हमारे टाइम में कि भाई 20 रुपया मिला है कैसे उसको चलाना है पूरे दिन में। तो ये जो प्रॉब्लम हमने फाइनेंस सीखते हुए किया, हम छोटे रूप में करते हैं 20-30 रुपया 40 रुपया, तुम आजकल 100-200-500-1000-2000 क्योंकि कैफे वैफे में जाते हो आप लोग तो ये छोटा मोटा कहाँ दुकान में जाओगे, तो 1000-2000-3000 का हिसाब रखते हो आप, और वही पापा लोग लाखों करोड़ों का हिसाब संभालते। तो सर ये जो फाइनेंस लेवल है ना, ये हर जगह, ऐसा नहीं है कि ये कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट वाला लोग ही करता है, बट टॉप लेवल मैनेजमेंट वाला लोग बड़े रूप में करता है, और हम आज किस रूप में कर रहे हैं सर, छोटे रूप में। चलिए मान लेते हैं आप भी आज ही इस क्लास में आने के लिए सुबह सुबह सबसे पहले डिसाइड किए होंगे कि कैसे जाना है, करेक्ट? कितने लोग यहां मेट्रो से आए हैं? मेट्रो से, ओके, मैक्स लोग मेट्रो, ऑटो ऑटो ऑटो, ओके, बस बस बस, ओके, 11 नंबर
पैदल 11 नंबर पैदल पैदल बगल में ही रहते हैं सर, हम तो पैदल ही आ जाते हैं। हाँ, बोला मेट्रो से चल के यहाँ तक आए ना, मजाक है क्या, कोई थोड़ी आया था गोदी लेके ले जाने। हाँ, पैदल आए तो उस तरीके से कोई ना कोई अपना ट्रांसपोर्टेशन मीडिया से आया। रही ज्यादा नहीं पूछा अभी तक मैंने, उबर ओला अब पर्सनल कार और बाइक, हाथ ऊपर करो, झूठ नहीं। एक आया गाड़ी वाला, एक तो बाइक वाली आई, एक बाइक और एक गाड़ी, और कोई उबर ओला किससे, बाइक और कोई, बाइक उबर ओला एनीबडी, नहीं ठीक है, तो बोलो ठीक है कम ही लोग है। तो ये जो टोटल बात मैंने बताया कि ये जो सब लोग अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन मीडिया से आए हैं, तो सुबह सुबह आपने जब डिसाइड किया कि हम इस मोड से जाएंगे, क्या उससे पहले हम अपने पापा मम्मी से पैसा मांगते हैं कि आज इतना रुपया लगेगा, है कि नहीं, कि इतना रुपया लगेगा, ये रुपया लगेगा तो प्लीज इतना दे दीजिए, आज ये खर्चा होने वाला है, या जो भी हम खर्चा करते हैं हम सुबह सुबह मम्मी पापा से मांगते हैं। चलो आज के डेट पे आप मांगते नहीं होंगे, आपके पास पहले से होता होगा, बट हम लोग घर से बोलते हैं मांगते हैं, ये छोटे वाले रूप का बात हुआ। वैसे जब धंधा करने जाओगे, मान लो आप बिजनेस का कुछ सोच रहे हो, एनीबडी यहाँ जिनके जिनके पापा का बिजनेस है, बिजनेस वाले बिजनेस, ओके, और कितने इनके पापा सर्विस में प्रोफेशनल या सर्विस, ओके, तो जिनके जिनके पापा बिजनेस में, वापस से हाथ ऊपर करना, बिजनेस वाले, बिजनेस क्या चीज का बिजनेस है पापा का, होलसेल किस चीज का, कॉस्मेटिक्स का, और कौन कौन थे हाथ ऊपर रखो एक बार प्लीज, अरे वो बताना चाहता है भूपेंद्र बोल, इडली डोसा, किराना का दुकान कहां पे, भर तेरा नाम ऐसे ही भूपेंद्र नहीं क्या, भूपेंद्र ही तो नाम है ना, भूपेंद्र भोगिंदर कहां कहां, अरे वाह, किराना का दुकान है, और कहाँ है, कोई साड़ी वाले, साड़ी और तो साड़ी साड़ी वाले एक, हाँ अच्छा रितेश का है क्या, इधर इधर एक मिला संता साड़ी, और उधर क्या होलसेल रिटेल क्या, हाँ रिटेल कहाँ पे, राम मंदिर में कौन सा दुकान, अच्छा राजकुमार स्टोर, साड़ी वाड़ी का ही काम है, समझ गया, कंपटीशन हाँ कंपटीशन। तो सुनिएगा, ये जो प्रॉपर आपने सारा धंधा बोला, ऐसी मान लो आप भी आज के दिन कुछ धंधा चालू करना चाहते हैं, और मान लेते हैं मैडम कई जो पापा धंधा कर रहे हैं, कंपटीशन खड़ा करते हैं इनके आगे, क्योंकि पहले इनका सुना, मेरे को तो ऐसी रैंडम एग्जांपल आया, पिछले बैच में मैंने कुछ और लिया था, तिरपाल का एग्जांपल लिया था, मेरे को याद है, आप जानते भी हो तिरपाल क्या होता है, एनीबडी जानते हैं तिरपाल क्या होता है, चलो बढ़िया बात है, तो मैं इनका पापा वाला का एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं आज के दिन हमने भी सोचा कि हमें कॉस्मेटिक का बिजनेस करना चाहते हैं, होलसेल लेवल पे हम कॉस्मेटिक का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके हम चीजों को रिटेल तक पहुंचाएंगे। किस चीज का डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, कौन कंपनी किसका, लैक्मे, और वो तो एक पता है तुमको जो तुम लगाती है, और मेबेलिन, और ज्यादा नहीं बता कभी देखे, अबे कॉस्मेटिक का होके नहीं जानती है, तुमको तो सारा जाके उठा लेना चाहिए, ये भी दे दो ये भी दे दो ये भी दे दो हमको, है कि नहीं, ट्रेस में इसको सब मालूम है, देख लॉरियल ट्रेस में सब बक कर रहा है, ये कितना गिफ्टी है भाई, पतंजलि अरे मजाक नहीं है, सही बात है, बहुत अच्छा है वेदांत, बहुत अच्छा लड़का है, सब समझता है, चलिए बहुत गिफ्ट्स देता है वो। तो अभी किसका धंधा चालू किया बता दीजिए, तो कॉस्मेटिक्स का, ये कॉस्मेटिक्स का धंधा चालू किए, क्या चाहिए धंधा स्टार्ट करने के लिए बताइए, पैसा, मान लो तुम चालू कर रहे हो आज के डेट पे, तुमको कौन पैसा देगा, नहीं बैंक, बैंक नहीं देगा, क्यों क्यों बैंक क्यों नहीं देगा, बैंक पहले तो बैलेंस शीट देखेगा तुम्हारा, वो देखेगा ये तो आईटीआर ही नहीं बता इसका क्या, तो तुमको क्या लगता है चेहरा देख के देगा पैसा, तब तो और ही नहीं, अगर चेहरा दिखा दिए तो बोलेगा इसको तो पैसा नहीं देना है, आईएएस तो बैलेंस शीट देखेगा तब फिर भी हो सकता है चांस है मिलने का, चेहरा दिखा दिए ना कि हम पैसा मांग रहे हैं, उसको चेहरा देख के ये देने वाला नहीं है वापस,
तो वही चीज है सर, पैसा बैंक तो देने वाला नहीं है हमें। सेकंड बात आया सर, शार्क टैंक चले जाएंगे। तुम जानते हो वहां वो लोग कैसे डुगला बन निकालता है, वो तो तुमको एक एक मिनट में तुम्हारा पानी निकाल देगा अगर तुम ठीक से सब चीज नहीं बता सकते। तो वो जो पूरा आप सोचोगे कि सर सर आप लोग कब काम आओगे, सुने आप लोग के पास भी पैसा है, इन्वेस्ट करना चाहेंगे आप हमारे बिजनेस में। लास्ट बैच में एक बच्चा लास्ट में हमको एक वो पिच करके गया और वो कल आएगा एग्जाम के बाद, उसका इसका बिजनेस प्रपोजल सुनना है भव्य, और उसको उस हिसाब से पैसा देना भी है कि अगला अच्छा बिजनेस प्रपोजल मेरे आगे रखा है और उसको हमको पैसा देना। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, अच्छा कल आएगा वो, जहां तक एग्जाम खत्म करके मैं आपको मिलाऊंगा। अनूप रॉय नाम है उसका, अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम चालू करेगा और रशिया से कुछ मंगाएगा और यहाँ पे कुछ सेल करने का सोचा। तो वो बोला मेरे बहुत कस्टमर रेंज है सर ऑलरेडी, क्या आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे मेरे बिजनेस पे। तो मैंने उसका पूरा बिजनेस प्रपोजल सुना और हम रेडी है उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि उसके बाद हमको कई कूपन देगा जिसके थ्रू मेरे पास काफी मैं बताऊंगा सब समझाऊंगा आपको वो बिजनेस क्या है। तो ऐसे ही कॉस्मेटिक का बिजनेस चालू करने के लिए बताइए पैसा मांगने जाएंगे। पैसा अभी तो देखो हमें कोई नहीं देने वाला, कौन देगा सबसे पहले बताइए आप। सेम जैसे नवीन क्लासेज जब खुला था हमें भी कोई पैसा नहीं दिया था, हमें कोई बैंक पैसा नहीं दिया, हमें कोई खुद का कोई सेविंग्स वेविंग्स तो नहीं था, क्योंकि पॉकेट नहीं बोल के कुछ चीज था नहीं, क्या 20 रुपए में क्या सेव करेंगे। हमारे पास ना कोई सेविंग्स, ना कोई बैंक पैसा देने वाला, ना कोई एंजल इन्वेस्टर। तो हमारा एक लौता सोर्स था कौन बताइए, घर से पापा से मांगना। वैसे ही आप पापा से मांगने जाओगे तो पापा आपको पैसा देंगे, पापा है तो पक्का बात है पहले क्या पूछेंगे, किस लिए चाहिए। तो बोले हाँ सर ये करना है, बोला ठीक है कितना चाहिए, बोले इतना चाहिए, ठीक है वेरी गुड अच्छा बोल रहे, कब लौटाओगे, बोला ठीक है कितना लौटाओगे, मतलब कितना लौटाओगे दिए कितने हो, उल्टा मांगना नहीं चाहिए आपको वापस। मैं और अविनाश भैया दोनों ने जब 2016 7 मार्च को इनॉग्रेट किया था हमने अपना नवीन क्लासेस, उससे पहले जब हमने सेटअप चालू किया 1.5 लाख रुपया अपने अपने पापा से उठाया था, 1.5 लाख रुपया उसने, 1.5 लाख रुपया मैंने, और 3 लाख रुपया हमने बिजनेस में लगाया था कि कुछ ना कुछ वर्किंग कैपिटल फिक्स्ड एसेट्स के लिए चाहिए। और वो जो 3 लाख रुपया हमने लिया था, सिंस अपने अपने पापा से लिया तो इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए था। क्या बोले पापा मालूम उस दिन, पैसा मैं तुम ना मेरा बेटा ना हम तुम्हारा पापा, तुम मेरे से उधार मांगने आया कब तक लौटाएगा बता। तो मतलब लौटा देंगे 6-7 महीना 8 महीना जब से रिटर्न आना चालू होगा आपको दे देंगे, बोला ठीक है 6-7 महीना 8 महीना 1 साल के अंदर अंदर इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम लगाएंगे। मतलब इंटरेस्ट रेट हम आपके ब्याज हैं, हमसे ब्याज होगे, यू आर द प्रिंसिपल आई एम द इंटरेस्ट। हम दादा दादी को बोल देंगे बता देते, बोला जिसको बोलना है बोल, ब्याज तो लगेगा। अरे ठीक है चल तुम अपना कुलदीपक है तो कम ब्याज लगाएंगे। उस समय कच्चा पैसा का ब्याज चलता था बाजार में हमारा 1% बोल के बोलते हैं, आप लोग समझेंगे भी बात, मतलब करीब करीब आप समझ लो 12-18% इंटरेस्ट पे जाता था पैसा। तो बोला तुम मशीन से अपना घर का आदमी है, जानता है हम तुमको, तुम कहीं और जाएगा भी नहीं, तो 6% ब्याज पे देंगे। मतलब चलो ठीक है, उस दिन पैसा का अहमियत समझ में आया भाई, पैसा में बोझ आ गया और क्या चुकाना है साथ साथ में। सेम अविनाश भैया के साथ हुआ, इंटरेस्ट लगेगा मतलब रिटर्न के साथ देना है, उसके लिए कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट अमाउंट नहीं था, उसको बस हुआ पैसा थोड़ा ज्यादा करके देना बस। तो उसके पापा भी ऐसे दिए मेरे को, तो पापा एकदम फ्लैट बोले जितना दिन में लौटेगा 6% ब्याज के साथ लौटा देना। बोला ठीक है। 3.5 महीना लगा हम लोग को बैच चालू किया, सिंस हमारे बैच में तो अच्छा बात क्या ना प्री पेमेंट आ जाता है सब चीज, तो सब चीज एकदम फटाफट हो गया। 3.5 महीना में हमने अपने पापा लोग को वापस उनका 1.5 लाख रुपया विथ इंटरेस्ट चुका दिया। फिर बोला अब जो आएगा वो हमारा आएगा और इसी से हम आगे बिजनेस करेंगे। फिर जब नया नया सेंटर लिए, मान लो कुछ और भी दरकार पड़ा कभी पापा से, जैसे 2018 जब हमने श्याम बाजार में सेंटर लिया तब दरकार पड़ा पैसा का, तब पापा से मांगे, उसके बाद कभी दरकार नहीं पड़ा क्योंकि ये सब सेंटर जब लेने लगे तब तक खुद का कॉर्पस आ गया था।
तो जब उसने भी पापा से पैसा लिए सेम, पापा बोले चल पिछली बार तेरा पेमेंट प्रोसीजर बहुत अच्छा था और तो और तुम दम इंटरेस्ट के साथ पेमेंट किया तो थोड़ा कम लगाएंगे इस 5% पे दे देंगे। हम बोला चलो ठीक है 5% पे दो, इस बार लौटा देंगे आपको, थोड़ा ज़्यादा बड़ा अमाउंट मांगे थे उस समय। तो इस तरीके से हमें पैसा प्रोक्योर किया हमने। तो जब भी कोई धंधा स्टार्ट होता है ना तो उसको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए सर? फंड्स। तो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी जो एक फाइनेंस का आदमी होता है वो जनरली बिजनेस में खुद और होता है अगर वो स्मॉल स्केल में, अदरवाइज अगर बहुत बड़ा बिजनेस है करोड़ों खरबों का बिजनेस है तो वो अपने अंदर एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करके रखता है बताइए? अपॉइंट, जो कि एक टीम होगा या एक पर्सन होगा जो इस कंपनी का क्या देखेगा बताइए? फाइनेंस। जल्दी से बताइए तब इस फाइनेंस मैनेजमेंट का काम क्या है सोच के आपके हिसाब से सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, क्या करना बताओ? पैसा का, पैसा कहां से उठाना? कासेट ने बोला पैसा कहां से उठाना है सर, ये सबसे बड़ा पहला काम है। कासेट, जैसे ही तुम पैसा मांगने गया था याद कर पापा का सबसे पहला सवाल क्या था? गलत, गलत, वेरी गुड। आपने खुद बोला, मैंने नहीं बोला, आपने खुद बोला था सबसे पहला सवाल कितना लगेगा कब देगा नहीं था, करेगा क्या? आज भी मांग जाते हैं कुछ भी रुपया तो पापा क्या पूछते हैं? करना क्या है इसका, क्यों चाहिए पूछते हैं कि नहीं? क्यों चाहिए, तो जो क्यों चाहिए क्या इसका जवाब रेडी रहना चाहिए? बिना इसके पैसा मिलने वाला है क्या? बस दे दो ना, देखेंगे ना क्या करना, अभी इच्छा नहीं है। 6,000 मांग लिए और बोले बस चाहिए, क्यों चाहिए हम आपको बता नहीं सकते, बस 6,000 चाहिए। तो ऐसा ऐसे करेंगे तो पापा पैसा देंगे क्या? नहीं देंगे। पापा से अगर पैसा लेना है तो उसका क्या बताना होगा? रीजन कि भैया क्यों चाहिए। तो क्यों चाहिए भी जरूरी है ताकि क्या डिसाइड कर सके बताइए, किन से पैसा मांगे। आज वैसे ही अगर हमें पापा से पैसा उठाना है तो हम उनको क्या बताना पड़ता है सर? क्यों चाहिए। वैसे ही हमें जब भी पैसा उठाना पड़ता है कंपनी में किसी से भी, हमें उसका क्या बताना पड़ता है? उसका रीजन क्या है? रीजन मतलब बताइए उसको क्या करो, मतलब क्या, क्या बिजनेस करने वाले हो, इस पैसों को तुम कहां लगाने वाले हो। अगर इसको मैं इंग्लिश में बोलूं दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या बुलाया जाता है बताइए? और उस हिसाब से लिया जाता है प्रोक्योरमेंट डिसीजन। क्या लिया जाता है बताइए? तो देयर आर टू मेन फंक्शन ऑफ एनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मैनेजर। क्या बताइए? इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स एंड दूसरा प्रोक्योरमेंट। व्हिच इज प्रायर टू व्हिच, विच इज प्रायर टू विच, कौन पहले कौन बाद में? इन्वेस्टमेंट पहले, प्रोक्योरमेंट बाद में? प्रोक्योरमेंट पहले, इन्वेस्टमेंट बाद में। अरे बाप रे, सर दिमाग ही नहीं चल रहा, एकदम कंफ्यूज हो गया इस बात को लेके। तो बता दे आपको, जैसे अपने बजट चैप्टर पढ़ते सोचते वक्त उल्टा बात और अप्लाई करते वक्त सीधा बात, याद करो जब बजट चैप्टर पढ़े थे सबसे पहले किन का बजट बनता है? सेल्स का। फिर किसका बनता है? प्रोडक्शन का। फिर किसका बनता है? कंजम्पशन का। फिर किसका बनता है? बट जब प्रोक्योरमेंट स्टार्ट करते हैं पहले क्या करते हैं? परचेजेस। फिर क्या करते हैं? कंजम्पशन। फिर क्या करते हैं? प्रोडक्शन। फिर क्या करते हैं? सेल्स। सेम फाइनेंस में ये दोनों चीजें इंटेंगल्ड है एक दूसरे के साथ। और वेन वी थिंक, मतलब जब हम एस्टिमेट करते हैं सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट सोचते हैं कि भाई कितना पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कहां से पैसा उठाना है। वैसे ही सबसे पहले पैसा फिर उठाते हैं और उसको जगह जगह लगा देते हैं। ये दो मेन फंक्शन है किसके बताइए? कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर के या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। सर दो मेन बोल रहे हैं आप, मतलब और भी काम होगा? हाँ, अनगिनत काम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और भी कई चीजें देखता है। जैसे वही कि ये जो बजट्स बना रहे हैं कई डिपार्टमेंट, उनका क्या बजट सही बन रहा है कि नहीं, उन लोग का जो एलोकेशन हुआ है फंड का ठीक से हुआ है कि नहीं उनके बीच में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मेन दो फंक्शन ये है। एक तीसरा फंक्शन लास्ट आता है इनका, जब सारा धंधा कंप्लीट या साल भर एंड होता है तो क्या पैसा वापस आता है जो बिजनेस में लगाए हैं? तो किसको देना है वो पैसा? एक तो मालिक को,
फॉरेज जिससे लिए, अगर मालिक को देना है तो मालिक को, और उसके बाद किसको बताइए, लोन वोन भी देना है, लोन लोन लिए हुए हैं तो उनको भी रिटर्न करना है। तो इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या बुलाते हैं बताइए, जो कि पैसा आया तो अब वापस क्या करना है, जिनसे जिनसे लिए थे उनको वापस देना भी तो है भी, जो भी ब्याज देना है तो ब्याज, रीपेमेंट करना है तो रीपेमेंट, ओनर्स था तो डिविडेंट वगैरह वगैरह। क्या ये तीन काम किसका मैंने बताया आपको, बताइए, कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो दीज आर दी थ्री फंक्शंस ऑफ व्हाट, बताइए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये सब करने का कारण, इंग्लिश में क्या बुलाते हैं उसको, इन सबको करने का कारण इंग्लिश में क्या बुलाते हैं उसको, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्ट, मतलब इसका मकसद क्या था कि भाई ये क्यों करना है, ये तो बताओ। कि अपने ये जो चीज सोच रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट खड़ा तो कर दिए ये तीन काम करने के लिए, बट क्यों करना क्यों है ये तो बताओ सर, बताओ क्यों करना पड़ता है, हाथ ऊपर करके एनीबडी, क्या आप धंधा क्यों करना चाहते हैं, हाथ ऊपर करके धंधा क्यों करना चाहते हैं, एकदम साधारण आंसर है, धंधा क्यों करना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए, क्या कमाने के लिए बताइए, एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आप प्रॉफिट कमाने निकले तो आप गलत थिंकिंग से बिजनेस कर रहे हैं और आप धंधा नहीं कर पाओगे। हम प्रॉफिट कमाने के लिए धंधा नहीं करते, कोई सही जवाब देना चाहता है तो हाथ ऊपर करेंगे। बोलो क्या नाम, नाम वापस से बोल, मैं भूल जाता हूं, अजीब सा नाम है, हाँ नहीं रे पीछे, मिलिन, मिलिन बोल, हाँ मार्केट में सस्टेन करने के लिए, नहीं बोलो वेदन, अच्छा मतलब हर जगह जाना है, नहीं वही सेम मत हुआ, और क्या प्रॉब्लम सॉल्व, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, नहीं समझा मैं, हमें को धंधा करना है, क्यों करना है धंधा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आप क्यों कॉस्मेटिक का बिजनेस, अच्छा आपको पैसा क्यों कमाना है आप ये नहीं समझ, कोई भी बिजनेस करना है आपको क्यों करना है अभी तक आप नहीं सोच पा रहे हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का कारण क्या होगा बताओ, मतलब ग्रो करने के लिए, वही तो प्रॉफिट कमाना तुम बोला ना, नहीं अच्छा नाम बनाना है, स्टेटस बनाना है, अच्छा और वेल्थ जनरेशन ओवर प्रॉफिट, ओ माय गॉड सो मच टेक्निकल लैंग्वेज, थोड़ा आसान शब्दों में बताना चाहेंगे सबको, व्हाट डू यू मीन बाय वेल्थ जनरेशन ओवर प्रॉफिट, वेल्थ जनरेशन क्या हो गया, अच्छा ठीक है थोड़ा हैवी हो गया मेरे लिए, हम थोड़ा आराम भाषा में इसका बात समझाते, अच्छा आप बताओ एज एन इंडिविजुअल, आप जब आगे धंधा करोगे आपके पास जो भी बात जन आपको जज करेगा वो क्या आपके बुक्स के प्रॉफिट से जज कर रहा होगा, कि आप एज अ पर्सन ये देख रहे होंगे कि आपके पास कितना गाड़ी है, बंगला है कि नहीं, ये सब देखते हैं कि नहीं अपने, अरे तभी तो बाबू सोना आएगी कि घर पे क्या गाड़ी बंगला क्या किस तरीके से रहते हैं हम, है कि नहीं, स्टेटस चाहिए कि नहीं एक, अच्छा ये जो बात मैंने कहा याद करो, ये बात तो पिक्चरों में भी बहुत बार बोला गया है, अरे वो अमिताभ बच्चन भी तक बोला था, वो सामने उसको क्या नाम था उस हीरो का, भूल है, वो उसको बोला कि मेरे पास गाड़ी है बंगला है मोटर है ना, वो बोलता मेरे पास माँ है, माँ बोली बैठ तुम कहाँ रखेगा हमको, बोला माँ मेरे पास तो कुछ नहीं है अपने चौखट में सोएंगे, बोला भाई उसके पास गाड़ी है बंगला है पैसा है सब है, घर पे आराम से हमको रखेगा, हम तेरे पास नहीं रहने वाला, माँ भी उसी के पास रहेगी जिसके पास क्या है पैसा है, थोड़ी उस बेटे के पास रहेगी जिसके पास क्या नहीं है बताइए, पैसा नहीं है, वो भी क्या लगेगा तुम्हारे पास कौन रहेगा, हम किसके पास रहेंगे बताओ, जिसके पास गाड़ी है बंगला है, वो सुन के उधर माँ शिफ्ट, तो पिक्चरों का बात था सर, हाँ शशि कपूर राइट, वो तो पिक्चरों का बात था, जहाँ अपने को ड्रामा दिखाना ना, तो माँ बोली हाँ हाँ मैं तो इसके साथ हूँ, बोला नहीं माँ भी अंदर ही अंदर, अरे उसके पास रहते तो आराम था, कहाँ इसके साथ हम पढ़े नालायक बेटा है तो मेरा, तो ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, वी आर नॉट अट्रैक्टेड बाई प्रॉफिट, वी आर अट्रैक्टेड बाई वेल्थ, वेल्थ का मतलब होता है पूंजी,
मतलब एज एन इंडिविजुअल हम प्रॉफिट कमाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं आगे बढ़ते बढ़ते हमारे नाम पे घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, हर चीज हो, जिसके थ्रू कभी भी हमें आगे कुछ भी रिक्वायरमेंट हो हम हर चीज सर्व कर सके। प्रॉफिट तो आज है कल, बट ये वेल्थ ज्वेलरी जैसे लेडीज लोग के लिए क्या बताइए, ज्वेलरी है कि नहीं, ज्वेलरी इकट्ठा करते हैं कि नहीं, कि भाई गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है, गोल्ड है मेरे पास बहुत, तो कोई टेंशन नहीं है। घर गाड़ी बंगला मेरे नाम पे है, कोई टेंशन नहीं है। मेरे कई इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं जिसके कारण कोई टेंशन नहीं है। तो हमारा मकसद सिर्फ क्या कमाना नहीं है, प्रॉफिट, हमारा मकसद क्या है बताइए, वेल्थ कमाना। कंपनी के लिए वेल्थ क्या होता है, कंपनी का वेल्थ क्या होता है जल्दी से बताइए, सोच के देखिए। हम कंपनी का बात जैसे अपने लिए वेल्थ क्या, अपने लिए इंडिविजुअल्स के लिए वेल्थ क्या अपने, अच्छा देखते हैं ना शाहरुख खान का नेटवर्थ इतना है, सलमान खान का नेटवर्थ इतना है, इस फलाना आदमी का नेटवर्थ इतना है, डोली चाय वाले का नेटवर्थ इतना है। तो ये क्या, अच्छा ये नेटवर्थ क्या है उसका, मतलब क्या है नेटवर्थ, कि उसके पास कितने चीजें इसके नाम पे हैं, कैश कितना है, इसके पास कितने गाड़ी है, बंगला है, घर है कि नहीं। तो बताइए आप कैसे जानने जाओगे कि आपके पास कितने पैसे है, वैसे ही कंपनी किस रूप में जाना चाहता है कि वो कितना वर्थ का है, एसेट्स और स्टेटस। नहीं, एक अच्छा लगा मेरे को अभी तक वर्ड एसेट, बट कोई और नाम कुछ देना चाहेगा इसको, मार्केट वैल्यू, वेरी गुड। शेयर कितने दाम पे बिक रहा है वो उसका पूंजी है। जैसे आज के दिन हम बोलते हैं कि रिलायंस का क्या भाव चल रहा है, अगर रिलायंस का भाव आज के दिन 2500 चल रहा है, 2600 चल रहा है, तो क्या वो उसका पूंजी है कि वो जो कि कितना कमा रहा है उस पे हम इंटरेस्टेड है। रिलायंस के ओनर भी किससे इंटरेस्टेड है बताइए, कि मार्केट में उनका पूंजी कितना है। आज जो हम बोलते हैं मुकेश अंबानी इतने वर्थ का है, टेस्ला इतने रुपए का है, वो कैसे करके करते हैं बताइए ना, कितना शेयर्स वो होल्ड करता है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स और बाकी उसका पर्सनल वेल्थ जो और भी है। यानी एक कंपनी के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो उसका वेल्थ क्या होता है बताइए, उसका मार्केट प्राइस। जैसा हम सब जानते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू, विच इज क्या, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, ये किसका पूंजी हुआ बताइए, कंपनी का, जिसको आपने बोला वही एसेट्स। बट एसेट्स तो क्या, बुक वैल्यूज पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। हम तो किसका बात कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू अलग होता है, जैसे आप देखते हैं ना वो तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपया, प्रीमियम बाकी का दिखा देते हैं सिगरेट, बट क्या वो वैल्यू रहता है कि मार्केट में कुछ और भाव चल रहा होता है। तो असली भाव तो वो है जिससे हम पता करते हैं कि कंपनी कितने वर्थ का। तो अल्टीमेट मोटिव इज नॉट व्हाट बताइए, प्रॉफिट कमाना, द अल्टीमेट मोटिव इज वेल्थ कमाना। मन में आ रहा होगा एक बात, पैसा नहीं कमाएंगे तो वेल्थ कैसे आएगा, मतलब देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो जाके क्या होगा, बट दैट इज नॉट द ओनली रीजन ऑफ इंक्रीजिंग द वेल्थ। अगर आज ऐसा होता जोमैटो स्विगी जानते हो कितने का लॉस करता है हर साल, बट उनका वर्थ जानते हो, हाँ लास्ट ईयर का प्रॉफिट देखिए कितने का है, 300 और उससे पहले वाले साल का प्रॉफिट देखिए लॉस ऑफ कितना। अच्छा तो ये जंप हुआ प्रॉफिट इस साल, तो पक्का पिछले साल तो इसका कोई वर्थ ही नहीं होगा, लॉस मेकिंग कंपनी का थोड़ी कोई वर्थ होता होगा, वर्थ होता होगा, होता होगा, कहीं मन में ये सब नहीं आता, अबे लॉस मेकिंग कंपनी है फिर भी क्या है इनका मार्केट वैल्यूएशन है। फ्लिपकार्ट सुनते हैं कि नहीं, लॉस मेकिंग कंपनी फिर भी क्या चल रहा है सर, मिलियंस ऑफ वैल्यूएशन, बिलियंस ऑफ वैल्यूएशन। सर ये वैल्यूएशन कैसे होता है, क्या ये नहीं जानना चाहते, जैसे वहां पे जब शार्क टैंक में लोग बैठते वो बताता है हम लोग बूटस्ट्रैप है, हम लोग अभी धंधा चालू किए हैं, अभी हम लोग जस्ट प्रॉफिट मेकिंग बने हैं, वी आर जस्ट इनटू द बिजनेस, फिर भी वो लोग अपना क्या लेके आता है बताइए, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन लेके आता है कि नहीं, फिर वो लोग जज करता है क्या वो वैल्यूएशन सही है कि नहीं, क्या वो वैल्यूएशन ही उनका क्या है मार्केट वैल्यू। सर ये मार्केट वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, अगर सीधा सीधा प्रॉफिट पे डिपेंड करता तो हर कोई उस हिसाब से सम्स कर लेता, और जिसका लॉस है उसका तो मार्केट वैल्यू क्या आना चाहिए था, तब तो नेगेटिव।
बट क्या जोमेटो का कोई तो शेयर प्राइस होगा, जोमेटो का वर्थ होगा? देख रहे हो कितना दिख रहा है? ट्रिलियन समझते ही हो कितने जीरो होते हैं? एनीबॉडी हाथ ऊपर करके एक ट्रिलियन में कितना जीरो होता है? हाथ ऊपर करके एक ट्रिलियन में कितना जीरो होता है? ये देखो, अपने फाइनेंस पढ़ने वाले हैं और आपको मैं सिर्फ इतना सा बात पूछा, एक ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? पूछना चाहेंगे एक ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? हाथ ऊपर करके प्लीज अपना बुद्धि मत। दीपक नौ बोल रहे, एनीबॉडी विथ नौ? नौ नहीं है, नौ नौ नहीं है। वेदांत बताओ कितना? क्या दस? बारह, बारह जीरो आते, बारह जीरो आते हैं। एक बार बारह जीरो से इंटू करोगे ना, तुम्हारा कैलकुलेटर एक बार मना कर देगा, बोलेगा रहन देना, अब भी पहला बार क्या कमाया है प्रॉफिट इस साल? पहला बार, पुराना पाप तो धुला नहीं और पहला बार प्रॉफिट कमाया और कितने ट्रिलियन का बिजनेस कर रहा है देख रहे हो? तो तुम क्या दिमाग नहीं खत्म हो रहा है कि भाई प्रॉफिट नहीं है उसके बाद इतने का वैल्यूएशन कैसे आ जाता है? तो कुछ तो साइंस होगा इसके पीछे, एवरीथिंग इज लॉजिकल, ऐसे नहीं है कि हो जाता है बस हवा में। तो इसके पीछे का साइंस समझना है इस सब्जेक्ट में, यानी कि आवर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, आवर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हाँ, उसके लिए शायद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक रीजन बने शायद, बट वो सिर्फ ओनली रीजन नहीं होता। तो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इज जो तुमने बोला, तो अपने क्या ना अभी तक, इसलिए मैंने बोला फाइनेंस समझते नहीं है। जैसे ही मैंने सबसे पूछा, सबका एक ही जवाब था, क्या कमाना सर? प्रॉफिट कमाना। गलत, अगर प्रॉफिट कमाना ही मकसद होता तो आज जोमेटो का इतना ज्यादा ट्रिलियन रुपया नहीं होता, क्योंकि प्रॉफिट तो बेचारा इस साल देखना पहली बार चालू किया। बेचारा देखो, बेचारा के पास कितने रुपए, बेचारा। क्या समझ रहे हो आप मेरा बात? अच्छा, ट्रिलियन में कितने जीरो आते हैं आप लोगों को नहीं पता था? तब तो आप लोगों का तो हालत खराब है। अच्छा, थाउजेंड्स में है मत करो तीन। अच्छा, मिलियंस में, बिलियंस में, तो ट्रिलियंस में तीन तीन जीरो से बढ़ता है आगे। किससे बढ़ता था ये? ओ, तीन तीन जीरो। अच्छा, इंडिया में पहला तीन जीरो हजार, फिर अल्लाह दो हो गया, अल्लाह दो हो गया। बताए थे इसके बारे में, बताए थे ना, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, औकात के बाहर जाने लग गया। जब पता चला अल्ले तीन जीरो में बोलेंगे अपने आपको, तब तक तो ठीक था थाउजेंड, जैसे बोले अगला तीन जीरो कोई आ ही नहीं रहे, तो बोला यार कोई तो अपने आप को कुछ तो बुला पाए, जैसे इसलिए एक वर्ड आया लखपति। लखपति बोलने के लिए क्या बोला? अच्छा, पांच जीरो भी है तेरे पास, लखपति बोल देंगे। तो इसके बाद कॉमा कहां आने लगा बताए? तो दो जीरो के बाद। फिर बोला करोड़पति, और दो जीरो के बाद, है कि नहीं? अरब, खरब, इस तरीके से चीजें बढ़ने लगी। इंडिया में दो दो जीरो के बाद आने लगा, और बाहर क्या होता है, डेवलप्ड कंट्रीज है तो क्या होता है, तीन तीन जीरो। तो वो लोग लाख कुछ नहीं बोलते, वो लोग क्या होते हैं, सीधा मिलियन। फिर क्या बोलते हैं, सीधा बिलियन। तो आप कई एफएम कॉस्ट के सवाल में, अकाउंट्स के सवाल में देखते हो बिलियन बिलियन लिखा हुआ, या कॉमा देखा करो, तीन के बाद वापस तीन के बाद है, आपको लगता है कोई टाइपिंग एरर है, आप वहां जीरो वो कॉमा काट के ठीक जगह दे देते हो, अरे गलत जगह दिया हुआ, इसको ठीक कर देते हैं हम लोग, पगला वो सही है, एक्चुअली वो कॉपी किया हुआ है, कहां से वो सब, यूएस यूके के सीएसएसीसीए पेपर से। और क्या किया उन्होंने पता है, बस डॉलर या पाउंड को रिप्लेस कर दिया किससे, रुपीस से। बट ये कॉमा वाला बात वो लोग ध्यान नहीं दिया, कि ये जैसे उड़वक बच्चे तो ये सोचेंगे ना कि कॉमा क्या आया हुआ बताइए, गलत जगह, जबकि गलत जगह नहीं है, उनके हिसाब से तो भाई वही कॉमा आता है, तुम्हारे हिसाब से कॉमा दो जीरो के बाद आने लगता है उसके बाद। सोचा करो क्या बिजनेस होता है, क्या समझ में आ रहा है, ये ट्रिलियंस ऑफ रुपीज आईएनआर में कैसे आ रहा है इनका? हाँ, हिंदी में कुछ नहीं है ना, इसीलिए तो अपने जैसे मिलियन को 10 लाख बोलते हैं, अच्छा बिलियन को 100 करोड़, तो वैसे ये खरब में बुलाया जाएगा कुछ, कितना खरब होगा, 1 लाख खरब, ऐसे कुछ, समझ रहे हो? तो ट्रिलियंस का कोई लॉजिक नहीं है, ट्रिलियंस इनके लैंग्वेज में और अपना लैंग्वेज अलग है। बट ट्रिलियन वाला मतलब समझ में आया क्या सबको, किस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं?
मार्केट वैल्यूएशन एक एक शेयर का दाम 194 करके है, और सोचो कितने सारे शेयर्स है जिसके थ्रू इनका वैल्यूएशन कितना ज्यादा। अब जो ये सब वर्ड्स आप नीचे देख रहे हो, पी रेशियो, डिविडेंड यील्ड, ये सब चीज हम समझने वाले हैं इस सब्जेक्ट में। क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है सब्जेक्ट, इसके थ्रू असली सीखेंगे कि यार ये कंपनी का भाव ताव कैसे सिखाया जाता। अभी तक हम सिर्फ कॉस्ट में सीख रहे थे, ऑपरेटिंग नेचर की बात है कि भाई धंधा कैसे करें, अब धंधा करने के बाद धंधा को बढ़ाए कैसे, धंधा जो कर रहे हैं उसके थ्रू पैसे कैसे और डेवलप करें, कैसे उसको पूंजी को बढ़ाए, ये कौन सिखाएगा हमारा फाइनल। ये पूरा एक रिले रेस की तरह है, कॉस्ट का रिले रेस जो लास्ट में देखते हो, एक वो जो स्कॉलर लोग वो स्टिक या फिर कोई पर्टिकुलर एक किताब पकड़ा देता है एक जन को कि आगे से अब तुम दौड़, FM वही है। कॉस्ट जहां पे अपना लिमिटेशंस खत्म करता है कि वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे मेंटेन करे, धंधा करते वक्त क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद की जितनी बातें हैं वो सारी बातें FM करता है कि अब इसके बाद किस तरीके से चैनलाइज करें इस पैसे को, जो धंधे से कमाया हुआ पैसा है वो FM देखता है। तो ये FM का स्टार्ट हुआ अपना, क्या बोलो, लॉजिकल लगा सबको। तो मैंने आपको तीन फंक्शंस बताए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, जल्दी बताइए क्या 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 फंक्शंस। वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, दूसरा प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, और तीसरा इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन। क्या बताया बताइए, इनकम पैसा वापस बांटना, थोड़ा सा ही बताया उसके बारे में, मेन पहला दो के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्या है ये सब करने का, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या कॉस्ट मिनिमाइजेशन। जो अपना कॉस्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, कॉस्ट में यही सीखते थे पैसा कैसे ज्यादा है और कॉस्ट कैसे कम लगे, इसीलिए तो वो लिमिटेड था वहां तक। जिसका जो FM का क्या है, एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। FM तो पहले किसके बारे में बात करेगा, वेल्थ के बारे में, जो कौन नहीं कर रहा था, कॉस्ट है, बोला इसका बात अब तुम कर ले। तो इसलिए हमें ये दो सब्जेक्ट इस तरीके से इंटरकनेक्टेड वे में समझना चाहिए। पहले कनेक्शन समझो कि ये सब्जेक्ट क्यों अपने पढ़ने वाले, क्या डन है सबको, इतनी सी बातें, लिखना चालू करें, लिखना चालू कीजिए। सबसे पहले बेसिक्स के अंदर नंबर वन, बेसिक्स के अंदर नंबर वन, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजर। फंक्शंस ऑफ क्या लिख रहे हो बताइए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजर, और फाइनेंशियल मैनेजर लिखेंगे इसके अंदर ए। बताइए क्या फंक्शंस बताया आपको, पहला कुछ भी लिख सकते हैं अपने, कोई ऐसा बात नहीं है। तो चलिए पहला क्या लिखते हैं बताइए, इन्वेस्टमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अच्छा लगा वर्ड, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। हिंदी में लिख सकते हैं पैसा कहां लगाना है, हिंदी में लिख सकते हैं पैसा कहां लगाना है। लिख लिए हिंदी में, बी बी प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। पैसा कहां से उठाना है, डन। दीज आर दी प्राइमरी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, आप आज तक बैलेंस शीट जो देखते थे, क्या आपको अविनाश सर इस तरीके से बैलेंस शीट सिखाते थे? सर नहीं सर, हम लोगों को तो आजकल हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, वर्टिकल फॉर्मेट बदल गया है। बट ठीक है, एक बार के लिए ये वाला चीज भी आपको ध्यान होगा, फाउंडेशन में तो ये वाला भी बनाया हुआ है और ये अच्छा लगता है बनाने में, आधा इधर आधा इधर। यहां क्या लिखते थे कोई बताएगा, यहां लाइबिलिटीज, गलत, वेरी गुड। तब अविनाश सर का पढ़ाया हुआ ऐसे मत करो, कैपिटल प्लस क्या है कि नहीं, बचपन का ज्ञान तो थोड़ा इनोवेट हुआ ना फाइनेंस अपना CA में आने के बाद। इसको क्या बुलाते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, कैपिटल एंड लाइबिलिटी है कि नहीं, और इस तरफ क्या बोलते हो बताओ, एसेट्स, वेरी गुड। ये अविनाश सर बोलते थे कि एक बैलेंस शीट इक्वेशन है,
क्या बताइए? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। अविनाश सर ये पढ़ाते थे, हम भी फाइनेंस में यही पढ़ेंगे, बट सोच अलग है हमारा। देखो हम बैलेंस शीट को किस नजरिए से देखते हैं, है सब कोई सब कुछ सेम, बात यही होता है कि कौन किस चीज को किस नजरिए से देखते हैं। जैसे कि फाइनेंस पूरे बैलेंस शीट को दो पार्ट में ब्रेक करता है, जैसे अकाउंट्स ये दो पार्ट में ब्रेक करता है, फाइनेंस देखो कैसे ब्रेक करता है। मैं आपको एक तरीका दिखाऊंगा, देखते हैं सब समझ पाते कि नहीं, जस्ट बाई लुकिंग इन टू दिस कि लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। सोचिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। क्या आपको कुछ बैलेंस शीट देख के धुंधला धुंधला ही सही, मैंने कुछ नहीं लिखा है, बट क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है यहां क्या 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 चीजें मैंने छोड़ दिया और क्या कर दिया? एक क्या पता है, सोर्सेज ऑफ फंड यानी प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, और एक क्या पता है, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। हम फाइनेंस को ऐसे देखते हैं एंड अकॉर्डिंगली हमारा भी बैलेंस शीट इक्वेशन टैली होगा, यानी सोर्सेज ऑफ फंड इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। बताइए ये क्या हुआ, सोर्सेज ऑफ फंड्स, जैसे कि क्या क्या बताइए, एग्जाम्पल दीजिए। अच्छा लोन सीधा बाहर का, घर का पैसा नहीं, घर का पैसा क्या बुलाते हैं आप लोग, शेयर। अच्छा कंपनी के लिए घर का पैसा क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, और क्या होता है बताइए, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, इसके अंदर बहुत चीज आता है, एक रफ एस्टिमेट यही सब होता है। फिर नीचे आप क्या लिखते हैं, करेंट लाइबिलिटी, ये ऊपर वाला क्या बोलते थे आप लोग, नॉन करेंट, है कि नहीं, पक्का एवरीबॉडी। इस तरफ क्या आता था बताइए, एक फिक्स्ड एसेट्स, और नीचे क्या लिखते थे बताइए, करेंट एसेट्स। इन दोनों को अगर नेट में बोले तो आप क्या बुलाते थे याद है, वर्किंग कैपिटल, क्या बुलाते हैं इनको, वर्किंग कैपिटल, यस और नो एवरीबॉडी। जैसे मैंने बोला जब भी कोई धंधा करते हैं पैसा कहाँ कहाँ यूटिलाइज करते हैं, एक कितना फिक्स्ड एसेट्स लेना है, दूसरा कितना नवीन क्लासेस जब खुला बेंचेस वेंचेस लेना पड़ेगा। अच्छा ये क्या हो गया उनका फिक्स्ड एसेट्स, है कि नहीं, आईपैड लेना होगा, टीवी वीवी लेना होगा, फिक्स्ड एसेट्स, साथ ही साथ बुक्स प्रिंट पे देना होगा, तो शुरू में तो पहले बुक प्रिंट पे देना पड़ेगा, पैसा आया ही नहीं फीस, उससे पहले क्या देना है, बुक प्रिंट पे देना। रेंट पे करना होगा, है कि नहीं, सैलरीड एम्प्लॉयड को रखना होगा, ये क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल। तो क्या वर्किंग कैपिटल के लिए भी फंड्स चाहिए, और किसके लिए फंड्स चाहिए बताइए, फिक्स्ड एसेट्स के लिए भी, और उसके लिए हमने भी क्या किया होगा, पैसा प्रोक्योर। वैसे ही कंपनीज क्या करती हैं सर, ये सोर्सेस से पैसा लेती हैं और यहां इन्वेस्ट करती है। हम बैलेंस शीट को ऐसे देखेंगे, यानी एज पर आवर इक्वेशन सोर्सेज ऑफ फंड इज इक्वल्स टू क्या बुलाएंगे बताइए, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड यानी यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। यानी कि एक तरफ क्या लिखेंगे पता है हम, क्या बताइए, सोर्सेज ऑफ फंड, और दूसरे तरफ क्या लिखते वाले होंगे बताइए, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। अगर डिटेल में बताऊं तो सोर्सेज ऑफ फंड इज, थोड़ा शॉर्ट में, ओन फंड्स प्लस बोरोड फंड्स। अच्छा लगा लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज। एक क्या खुद का पैसा और एक क्या बाजार का पैसा, हाईएस्ट यही होगा। और एक तरफ क्या आएगा सर, बोलिए, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। और अकाउंट्स की भाषा में अगर बात करें तो इसको हम लोग बुलाते थे इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म मस्ट बी इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। अपने यहां लिखते थे लायबिलिटी, अब क्या मैं ये यहां से उठा के यहां माइनस में लिख सकता हूं, बात तो एक ही होगा। ये है हमारा क्या बताइए, फाइनेंशियल इक्वेशन, जैसे वो क्या था आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, ये क्या हो गया बताइए, फाइनेंशियल है, वही चीज, देखने का नजरिया बदल गया। हम ऐसे करते हैं बात, हम करंट लायबिलिटी को यहां नेट करके बुलाते। क्या सबको क्लियर है? दो ऑब्जेक्टिव के बाद बनाएंगे डायग्राम और नीचे लिखेंगे ये। वही अभी बताएंगे, इसी को आप नेट एसेट्स बुलाते हो, किसको बताइए, इसी को। ये क्या है बताइए, नेट एसेट्स। नेट कर दिया मतलब क्या, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, नेट एसेट्स। और इसको आप बचपन में बुलाते थे कैपिटल इंप्लॉयड, क्या बुलाते थे, कैपिटल, वही कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू नेट एसेट्स। अकाउंटिंग भाषा है, कुछ लिखो पहले।
कुछ पूछना है क्या लिखे हैं जैसे? हाँ, सीई कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको बचपन में आप बोलते थे, और फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जिसको आप नेट एसेट्स बुलाते हो अकाउंट्स में, वही सोर्सेज ऑफ फंड और इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। अगर ये फाइनेंशियल डिसीजन सही होंगे तो कंपनी आगे बढ़ेगा, और अगर ये फाइनेंशियल डिसीजन सही नहीं होंगे तो कंपनी डूब जाएगा, वाइंडिंग अप सिचुएशन आता है। जैसे सबसे इजी एग्जांपल जो सबको पता है, विजय माल्या वाला स्टोरी, कि विजय माल्या क्या हुआ था सर, बैंकक्रप्ट है कि नहीं, भाग गया फिर यहां से, कितने का करोड़ का स्कैम किया जानते हो? हाँ, 9,000 करोड़। कितने का स्कैम किया बताइए? 9,000 करोड़ का स्कैम। और वो किसका किया 9,000 करोड़ का स्कैम? गलत, गलत, अपना। आप लोग एक नंबर के बुड़बक है, यही तो फाइनेंस नहीं समझते हैं। वो 9,000 करोड़ और किसी का नहीं है, हम कॉमन पीपल का है। बैंक के पास रुपया आता कहाँ से? और वो बैंक फेल हुआ तो किसको पैसा नहीं मिलेगा? जो उसका अकाउंट के होल्डर्स थे, सबका पैसा चला गया। जो किस में थे बताइए, उस अकाउंट के होल्डर, बैंक कहाँ से ला के देगा? बैंक तो देख के बोल दिया, हम क्या करें, हम जिससे दिए थे वो हाथ खड़ा कर दिया तो हम भी हाथ खड़ा कर दिए। तो 9,000 करोड़ एक एक देशवासियों का है। आज के दिन में वो मित्रों बोलने आता है, वो कितना बोलता है, कितना देशवासी है अपने यहाँ? 140 करोड़ बढ़ गया, 125 से 140 हो गया। तो ये जो 140 करोड़ आबादी वो बोलता है, एक बार 9,000 करोड़ डिवाइड बाई 140 करोड़ करो दो, मतलब बस 9,000 डिवाइड बाई 140 कर दो, करोड़ करोड़ तो ऐसे ही कट रहा है। एक एक आदमी का इतना रुपया लेके गया है, आपको हंसी लग रहा है? आपके घर में कितने लोग हैं एक बार इंटू कर लीजिए उससे, अपने घर में जितने लोग हैं एक बार इंटू कर लीजिए। कोई तुम्हारा 100 रुपया भी मारता है तो तुमको कैसा लगता है, चोरी करता है तो? सोचो यहाँ कितना, अगर रिलेटिव विलेटिव को और जोड़ लेंगे तो यार 10-15 हज़ार रुपया लेके चला गया वो मेरा, और यहाँ 500 रुपया भी कोई ले लेता है उसको 4 बार तकादा करते हैं, भाई कहाँ है वो रुपया? आई एम नॉट जोकिंग, these scams are not of banks, these scams are of common people. Bank तो फिर खड़ा हो गया कल, वो जिसका पैसा गया वो खत्म हुआ ना, है कि नहीं बताइए? जो वहां इन्वेस्ट किए उनका क्या? इसे तो बोलते हैं वो चिट फंड, ये सब चीज क्या है सर, फंस जाते, जो लगाया वो फंसता है, क्योंकि जो सामने दे दिया पैसा वो तो बोले अब हम तो मीडिएटर थे, हम क्या करें, हम तो हाथ खड़ा कर लिए, पैसा किसका गया बताइए? कॉमन पीपल का। तो विजय माल्या का स्टोरी भी कुछ ऐसा ही है, बट ही वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, मतलब आई लव हिम एज अ पर्सन, बहुत अच्छा तरीके से जिंदगी जी रहा है और जिया था, उसके लिए नहीं, ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन ऑल्सो। हाँ, बिजनेस डिसीजन कुछ गलत लिए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके, बट उससे ज्यादा होशियार आदमी मेरे ख्याल से मैंने अपने जीवन में अभी तक जितना स्टोरीज पढ़ा है समझा है मेरे को नहीं मिला। और इतना स्मार्ट के साथ साथ इतना, मतलब होता है ना, केवल दिमाग नहीं, हर एक चीज में खुरापति दिमाग उसका था। कहाँ से पढ़ा हुआ है मालूम आपको? यही आपका सेंट जेवियर्स कॉलेज पार्क स्ट्रीट, इवनिंग में तुम लोग इतना मॉर्निंग नहीं, इसमें पढ़ा हुआ है बताइए? इवनिंग ना मस्ती करता था इवनिंग में जाके, वही पुचका उचका बाहर खाता था। उसके पापा विट्ठल माल्या उस समय चेयरमैन थे कोई कंपनी के, जैसे यूनाइटेड ब्यूरीज, और वो फिर डेथ हो गया उनका, तो जल्दी से जल्दी उसको भी कंपनी ज्वाइन करना पड़ा, बट वो उस समय एकदम मस्त मस्ती करता था वहाँ कॉलेज में। वो पैसा पहले से था उसके पापा के पास, बट वो पैसा को और मल्टीप्लाई करना उसके हाथ में था, और वो जो पैसा था उसके थ्रू वो कई बार 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 घूमने वूमने जाता था। एक बार लंदन गया हुआ था, मैंने आपको बताया कि नहीं? नहीं पता, जानते हो आप क्या किया था वो? मस्त स्टोरी, एकदम छोटा सा स्टोरी है, सुनो, उसका उसका दिमाग का लेवल समझ में आएगा। लंदन में उसके पास प्रॉपर्टीज थे, उसके पापा के पास घर वर फ्लैट व्लैट लिया हुआ था कहीं, और साथ ही साथ गाड़ी वाड़ी था वहां, फरारी कार था उसके पास, एक फरारी कार। जब उसके पापा का अचानक से कोई काम आया और इसकी वजह से उसको यहां बुलाया गया वापस, कि तुम आ जाओ आफ्टर कॉलेज, वो जो वहां पे अपना फर्दर स्टडीज करने गया था, तो बोला ठीक है आते। आते वक्त वो सबसे पहले गया बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास और बोला लोन चाहिए। लोन चाहिए तुमको? बोला क्या नाम है आपका? बोला विजय माल्या। बोला
क्यों चाहिए लोन? बोला बस जरूरत है, ये काम है मेरे को, लोन चाहिए, मैं जा रहा हूँ वापस इंडिया, मेरे को अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ मनी है। बोला कितने का लोन चाहिए? बोला 5,000 पाउंड ऐसा कुछ बात किया। बोला 5,000 पाउंड का लोन चाहिए, ठीक है दे देंगे, मॉर्गेज क्या रखोगे? बोला मॉर्गेज कुछ तो है नहीं, हाँ बाहर मेरा ना एक गाड़ी खड़ा है अभी मैं जिसमें आया हूँ, आप वो ले लो मॉर्गेज में। बोला कौन सा गाड़ी है दिखाइए, दिखाया, बोला फरारी। अरे बाप रे इतना में, एक बार तो बैंक वाले लोग हैरान, बोला अरे ये फरारी वाला लोग लोन लेने आया, चलो ठीक है एक बार के लिए लोन देते हैं। और उसमें तो क्या था, उस समय इंटरेस्ट वेरी लो लगता, कितना इंटरेस्ट लगता है सर वहाँ पे? बहुत ही कम, क्योंकि वहाँ पे बैंक में आपको ना ब्याज मिलता है, लोन भी बड़ा आराम से मिल जाता है क्योंकि मॉर्गेज वो लोग अच्छा प्रॉपर्टी रखता। तो लोन मिला उसको कुछ 4-5% पे और वो वहाँ से लोन लेके निकल गया। 7 दिन बाद वापस आया, लोन चुकाया, और 7 दिन में पूरे बैंकों ने पता किया भाई ये है कौन जिसने ऐसा काम किया हमारे साथ। तो 7 दिन बाद जब वो आया तो बोला अरे सर आपको क्या दरकार था लोन का, आप क्यों हमसे लोन लिए, आप तो हमको लोन दे सकते हैं, और वो भी 5,000 पाउंड के लिए आपने ये काम किया हमारे साथ। 7 दिन का ब्याज कितना ही आया सर, कितना पाउंड कितना आया होगा? 2-4-7 पाउंड आया होगा। 2-4-7 पाउंड के लिए आपने ऐसा काम क्यों किया सर? बोला पूरे इंग्लैंड में कहां हमको 7 दिन का पार्किंग $60 में मिलता, एक दिन का पार्किंग चार्जेस $10-12 रहता है वहां, 7 दिन का मेरा लग जाता कम से कम $70-80 पाउंड, मतलब हम यहां $60 में पैसा रखे, और वो भी कहां, इंग्लैंड का सेफेस्ट प्लेस बैंक ऑफ इंग्लैंड में, ये भी नहीं कोई रोड पे खड़ा है, बैंक ऑफ इंग्लैंड के पार्किंग में मेरा गाड़ी खड़ा है एकदम सेफेस्ट प्लेस में। बोला इससे अच्छा जगह क्या हो सकता, सोचो उसका दिमाग का लेवल। वो आदमी ऐसे ही विजय माल्या नहीं है, उसका कई होशियारी है, और ये एक बस इसका एक फ्लेवर है जो मैंने आपको बताया उसके दिमाग का शोकेस करने के लिए। अभी का रावण है वो, रावण मतलब सो स्मार्ट एंड सो इंटेलिजेंट कि उसने कितना स्मार्टली बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसे जगह पे अपना गाड़ी को पार्किंग के तौर पे यूज किया $60 पे, 7 पाउंड पे, जबकि अगर पार्किंग चार्जेस देता 7 दिन का तो फंस जाता, मतलब पैसा ज्यादा लगता, ठीक है उसके लिए वो 20-30 पाउंड नहीं, द स्मार्टनेस ओवर हेयर काउंट्स, वो 40,000 या 70 पाउंड बचाने का कोई अहमियत नहीं है, अहमियत ये है उसका दिमाग कि बाप रे बाप क्या थिंकिंग है उस बंदे का। बट सर फिर भी कंपनी क्या हुआ बताइए फिर, तो उसका भी कई रीजन है, जानना चाहोगे पक्का? आइए एक वीडियो दिखाते हैं आपको उसके ऊपर। नमस्कार, विजय माल्या का जन्म एक बिजनेस फैमिली में हुआ। विजय माल्या के फादर विट्ठल माल्या एक बिजनेसमैन थे, पर विजय माल्या की मेन कंपनी यूनाइटेड ब्रूवरीज को विजय माल्या की फैमिली ने स्टार्ट नहीं किया था, उसे 1915 में थॉमस लिशमन ने स्टार्ट किया था। विजय माल्या के फादर विट्ठल माल्या ने 22 साल की उम्र में ही यूनाइटेड ब्रूवरीज को ज्वाइन किया था, और 1946-47 से मिस्टर विट्ठल माल्या ने यूनाइटेड ब्रूवरीज के स्टेक्स अक्वायर करना शुरू किया, यानी यूनाइटेड ब्रूवरीज में भागीदारी लेना शुरू किया। मिस्टर विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रूवरीज के पहले इंडियन डायरेक्टर बने, और 1948 में विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रूवरी के चेयरमैन बन गए। 1952 से विट्ठल माल्या ने ब्रूवरी और डिस्टिलरी बिजनेसेस को अक्वायर करना शुरू किया। धीरे धीरे विट्ठल माल्या ने पॉलीमर, बैटरी, फार्मा, फूड्स एटसेट्रा इन बिजनेसेस को भी उसमें ऐड किया। 1983 में जब विट्ठल माल्या की अचानक डेथ हो गई तो उसके बाद 27 साल का विजय माल्या यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप का चेयरमैन बना। जब विट्ठल माल्या की डेथ हुई तब उनके बिजनेसेस का टर्नओवर करीब 350 करोड़ था। चेयरमैन बनने के बाद शुरुआत में विजय माल्या ने अलग अलग बिजनेसेस पर हाथ जमा कर देखा, जैसे कि इंजीनियरिंग, न्यूज़पेपर, केमिकल एटसेट्रा। उसमें मिले कुछ सक्सेसेस और फेल्यूअर्स के बाद जल्दी विजय माल्या को समझ आया कि असली पोटेंशियल तो लीकर यानी शराब और बियर के बिजनेस में है,
तो उसने अपना पूरा ध्यान लीकर और बियर के बिजनेस पर लगाया। यूनाइटेड ब्रूवरीज के पुराने लोग बताते हैं कि विजय माल्या बहुत हार्डवर्किंग और एम्बिशियस था। विजय माल्या के अंडर यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप लीकर और बियर इन दोनों बिजनेसेस में बहुत तेजी से बढ़ने लगा। साथ ही विजय माल्या यूनाइटेड ब्रूवरीज के ग्लोबल एक्सपांशन पर भी काम करने लगा। विजय माल्या अपनी मार्केटिंग स्किल से अपना ब्रांड ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहता था और उसमें वो सक्सेसफुल भी हुआ। इंडिया में लीकर एडवर्टीजमेंट पर बंदी है, इसलिए विजय माल्या ने अपने लाइफस्टाइल, किंगफिशर कैलेंडर, इवेंट्स एटसेट्रा इन जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके लोगों का ध्यान किंगफिशर की तरफ अट्रैक्ट किया। जिस तरह विजय माल्या ने अपने विलाज और आईपीएल टीम का नाम रखा था, उससे आपको विजय माल्या के मार्केटिंग स्किल्स की आइडिया आ जाएगी। मार्च 2005 में यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट लिकर मेकर बना। फोर्ब्स के अनुसार 2007 में विजय माल्या इंडिया का 40th रिचेस्ट पर्सन था और कई सालों तक विजय माल्या फोर्ब्स की लिस्ट में इंडिया के टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन में रहा। अपने बिजनेस इंटेलिजेंस और हार्डवर्क से विजय माल्या ने यूनाइटेड ब्रूवरीज को बहुत बड़ा बिजनेस बना दिया था। विजय माल्या के इस सक्सेस के चलते साउदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने विजय माल्या को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टरेट की डिग्री दी। विजय माल्या को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला है। 2005 में विजय माल्या ने अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या के 18वें बर्थडे पर किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की। एयरलाइन बिजनेस एक बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है जिसे चलाने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है, पर विजय माल्या हवाई सफर को लग्जरियस यानी अलीशान बनाना चाहता था। विजय माल्या ने ट्रैवलर्स को लग्जरियस फैसिलिटीज प्रोवाइड की और अपने सारे स्टाफ को बता दिया था कि सारे ट्रैवलर्स को मेहमान की तरह रखे। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस के ट्रैवलर्स के सेटिस्फेक्शन पर पूरा ध्यान दिया। ट्रैवलर्स को भी किंगफिशर एयरलाइंस का ये यूनिक अंदाज पसंद आया और किंगफिशर एयरलाइंस तेजी से ग्रो होने लगी। जल्द ही इंडिया के 25% से ज्यादा डोमेस्टिक ट्रैवलर्स किंगफिशर एयरलाइन से ट्रैवल करने लगे और किंगफिशर एयरलाइंस इंडिया की नंबर 2 एयरलाइन बन गई। फिर भी किंगफिशर एयरलाइंस अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं थी। किंगफिशर एयरलाइंस के शुरुआती सक्सेस के बाद 2007 में विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने का फैसला किया, पर इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू करने के लिए ये कंडीशन थी कि वो एयरलाइन कम से कम 5 साल पहले शुरू हुई हो, पर किंगफिशर एयरलाइंस को स्टार्ट हुए अब बस 2 ही साल हुए थे। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए विजय माल्या ने एयर डेक्कन को खरीदा, जो कि 4 साल पुरानी कंपनी थी और अब बंद पड़ने की कगार पर थी। तो उसे खरीदने के बाद इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू करने के लिए विजय माल्या को अब बस 1 ही साल रुकना था। किंगफिशर एयरलाइंस पर पहले से ही बहुत सारा डेट यानी कर्ज था और कंपनी अब तक प्रॉफिटेबल भी नहीं हुई थी, और अब एयर डेक्कन खरीदने से किंगफिशर एयरलाइंस का डेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। किंगफिशर एयरलाइंस एक बहुत ही लग्जरियस एयरलाइन कंपनी थी और किंगफिशर एयरलाइंस मतलब लग्जरी, ये इक्वेशन बन चुका था। किंगफिशर एयरलाइंस की लग्जरी सर्विसेज की वजह से उसके टिकट प्राइस भी ज्यादा थी। वही एयर डेक्कन एक लो कॉस्ट एयरलाइन कंपनी थी। विजय माल्या ने एयर डेक्कन का नाम बदलकर किंगफिशर रेड रख दिया, जिससे उसे किंगफिशर का ब्रांड मिल गया और उसकी प्राइसेस भी कम रखी गई। पर विजय माल्या को ऑर्डिनरी चीजें पसंद ही नहीं थी, इसलिए विजय माल्या किंगफिशर रेड में भी धीरे धीरे स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करने लगा, जिससे ट्रैवलर्स को अच्छी सर्विसेज कम प्राइस में मिलने लगी। उसके बाद किंगफिशर एयरलाइंस के कस्टमर्स भी किंगफिशर रेड से ट्रैवल करने लगे, क्योंकि उन्हें उन दोनों की सर्विसेज में ज्यादा कुछ फर्क नहीं दिख रहा था और किंगफिशर रेड की टिकट प्राइस किंगफिशर एयरलाइंस से कम थी, इसलिए ट्रैवलर्स किंगफिशर रेड को ही चुनने लगे। अब इन स्पेशल सर्विसेज की वजह से किंगफिशर रेड के रेट्स भी बढ़ने लगे और फिर ट्रैवलर्स किसी कम प्राइस वाले एयरलाइंस को चुनने लगे। एट द सेम टाइम क्रूड ऑयल के रेट्स भी बहुत तेजी से बढ़ने लगे और $140 पर बैरल तक पहुंच गए। रुपए की वैल्यू भी कम होने लगी और रिसेशन भी आ गया था। इन सब कारणों की वजह से किंगफिशर एयरलाइंस की तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ गई। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस का डोमेस्टिक ऑपरेशन प्रॉफिटेबल होने से पहले ही इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू किया था, जबकि इंटरनेशनल ऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है और कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा होती है, जिससे किंगफिशर एयरलाइंस के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। आमदनी कम थी और खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था। विजय माल्या ने कुछ ऐसे इंटरनेशनल रूट्स पर भी फ्लाइट्स रखी थी जहां पर बहुत कम एयरलाइन सर्विसेज देती थी, पर विजय माल्या का ये प्लान भी अनसक्सेसफुल हुआ। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की प्रॉफिटेबिलिटी से ज्यादा उसके एक्सपांशन पर ध्यान दिया था, और जब एक्सपांशन प्लान्स फेल हुए तो किंगफिशर एयरलाइंस के लॉसेस इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि किंगफिशर एयरलाइंस उससे कभी उभर ही नहीं पाई। जब चीजें हाथ से बाहर जाने लगी तब विजय माल्या फॉरेन इन्वेस्टर्स को अप्रोच करने लगा। तब इतिहाद एयरवेज किंगफिशर एयरलाइंस में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड थी, पर उस टाइम सिविल एविएशन में FDI दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं थी। फिर विजय माल्या ने FDI अलाउ करने के लिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी की, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। इतिहाद एयरवेज भी गवर्नमेंट के FDI अलाउंस का वेट कर रही थी,
इन सारे प्रॉब्लम्स के चलते पहले विजय माल्या ने किंगफिशर रेड बंद कर दी। वही किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉयज को 7 महीने से सैलरी नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्होंने स्ट्राइक यानी हड़ताल की और फिर किंगफिशर एयरलाइंस का ऑपरेशन बंद हो गया। किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉयज इस वजह से भी नाराज थे कि जब एम्प्लॉयज अपनी सैलरी के लिए हड़ताल पर थे, तब विजय माल्या किंगफिशर कैलेंडर के लिए मॉडल्स की ऑडिशन ले रहा था। फिर दिसंबर 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस रद्द हो गया और किंगफिशर का बिजनेस बंद पड़ गया। किंगफिशर एयरलाइंस बंद होने के कुछ ही दिन बाद गवर्नमेंट ने सिविल एविएशन में FDI को अलाउ किया। फिर इतिहाद एयरवेज ने जेट एयरवेज में इन्वेस्ट किया। एयरलाइन का बिजनेस बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, जिसे चलाने के लिए विजय माल्या ने बहुत ज्यादा लोन लिया था। विजय माल्या अपने प्लान पर कॉन्फिडेंट था, इसलिए उसने किंगफिशर एयरलाइंस के कुछ 1500 करोड़ के लोन के लिए पर्सनल गारंटी दी थी। पर जब किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई तो किंगफिशर एयरलाइंस पर जो करीब 9000 करोड़ का लोन था उसे वो चुका नहीं पाई और बाद में विजय माल्या ने भी वो लोन नहीं चुकाया। लोन का सेटलमेंट करने के लिए विजय माल्या और बैंक्स के बीच कुछ मीटिंग्स हुई थी। किंगफिशर एयरलाइंस पर करीब 9000 करोड़ का डेट था, जिसमें से विजय माल्या बैंक्स को लोन का प्रिंसिपल अमाउंट 6600 करोड़ देने के लिए तैयार था, पर बैंक्स ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी। मार्च 2016 में विजय माल्या ब्रिटेन भाग गया और आज विजय माल्या करीब 9000 करोड़ के लोन डिफॉल्ट के केस में वांटेड है। बैंक्स ने भी प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस के बिना किंगफिशर एयरलाइंस को बड़े बड़े लोन सैंक्शन किए थे। जब किंगफिशर एयरलाइंस बहुत खराब कंडीशन से गुजर रही थी, तब भी पब्लिक सेक्टर बैंक IDBI ने किंगफिशर एयरलाइंस को करीब 900 करोड़ का लोन दिया था। बाद में IDBI के उस मैनेजर को अरेस्ट कर लिया गया। जब तक किंगफिशर एयरलाइंस अच्छी चल रही थी तब तक तो सब कुछ ठीक था, पर जैसे ही प्रॉब्लम्स आने लगे तो किंगफिशर एयरलाइंस लड़खड़ाने लगी। किंगफिशर एयरलाइंस के पास स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट नहीं था जो इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सके और उस पर सोल्यूशन निकाल सके। एयरलाइन इंडस्ट्री में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होती है और एयरलाइन कंपनी को प्रॉफिट में चलाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं। एयर इंडिया एक गवर्नमेंट ओन्ड एयरलाइन कंपनी है, जिसके पिछले 10 साल के लॉसेस आप यहां देख सकते हो। एयर इंडिया कई सालों से लगातार लॉसेस में चल रही है और सालाना 2-3 हजार करोड़ के लॉसेस तो एयर इंडिया के लिए मामूली बात है। इन लॉसेस के चलते गवर्नमेंट को कंटिन्यूअसली एयर इंडिया को फंड प्रोवाइड करना होता है और ये अमाउंट किंगफिशर एयरलाइन की लोन अमाउंट से कई गुना ज्यादा है। जिस तरह हम स्कैम्स और फ्रॉड्स के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उसी तरह इन चीजों के खिलाफ भी आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि पैसा तो आखिर हम सब टैक्सपेयर्स का ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर हमारे चैनल finnovations.com को सब्सक्राइब करें। समझ में आया? जैसे मैंने बोला, वो 9000 करोड़ अपना नहीं था, मतलब सॉरी बैंकों का नहीं था, किसका था बताइए? अपना। वैसे ही अभी भी कई जगह और पैसे बर्बाद किए जा रहे और वो सब अपना ही पैसा है, बट क्या कर सकते हैं सर, देश चलाना है सबको भी, और वही पैसा है जो हमारे थ्रू मिलता है उनको, और वो लोग उस सब चीज में लगा रहे जो शायद कभी भी रिटर्न ना दे पाए। इसलिए आज इंडिया में जो लोन भी है, जो इंडिया का जो डेट है, जो पूरा वर्ल्ड वाइड लिया हुआ है हमारे एक्सटर्नल इंटरनल सब मिला के, वो इतने हैं कि आप अगेन उंगली में तो छोड़िए, आप अपने कैलकुलेटर में तो छोड़िए, आप सोच भी नहीं सकते इंडिया कितने डेट बर्डन में है आज है। तो इस डेट ट्रैप में जैसे जैसे इंडिया जा रहा है, तो सर आप सोच रहे होंगे इंडिया को लोन कोई देता क्यों है, और इस वजह से तो गवर्नमेंट्स फेल भी होते हैं, जैसे श्रीलंका और अब पाकिस्तान, पहले ग्रीस, ये सब फेल हुए हैं गवर्नमेंट्स हैं, और आगे चलते चलते इंडिया का भी हालत थोड़ा खराब है। बट सर फेल होगा क्या हमारा इंडिया? ऐसा चांस बहुत कम है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, बट हम चाहते हैं हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स इतना ज्यादा करें और लोगों को और सेवाएं प्रोड्यूस करें, इस वजह से हमारा वो डेट का अमाउंट बढ़ रहा है, मतलब रेवेन्यू कम एक्सपेंडिचर ज्यादा, और उस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हमारे देश में भी चल रहे हैं। क्या बोलिए, एवरीबॉडी क्लियर है यहां तक बात? मेरा आपके लिए एक होमवर्क है, क्लास खत्म नहीं हो रहा है, बस सुनना, एक होमवर्क है और वो ये है, मेरे को आप कुछ 3 से 4 रीजंस अच्छे से लिख के लेके आओगे कॉपी में, शॉर्ट शॉर्ट में, फेलियर ऑफ विजय माल्या बोल के, कि क्या रीजन था इसका बताइए, विजय माल्या का फेल होने का। वीडियो ध्यान से सुने थे? बस इस वीडियो के माध्यम से आप सोचोगे कि इसके फेलियर्स के कुछ 3-4 पॉइंट, सर इसका रीजन ये था, मतलब मेरे ख्याल से ये वो सबसे पहला वाला मिस्टेक किया, ये सेकंड मिस्टेक था, ये मेजर मिस्टेक उसने किया, उस तरीके से आप कुछ मेरे को नेक्स्ट क्लास अपडेट दोगे कि हाँ सर हम क्या समझे कि उसने क्या डिसीजन गलत लिया, प्रोक्योरमेंट, इन्वेस्टमेंट, किस तरीके से उसने अपना धंधा को गलत तरीके से मैनेज किया, जिसके वजह से आज वो कंपनी बंद हो गया।
जैसा मैंने बोला, ये दो ऑब्जेक्टिव सॉरी दो फंक्शंस को ठीक से चलाने के लिए एक अच्छा क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजर। और इसी लड़खड़ाने के वजह से ही तो कंपनी क्या हो गई बताइए, बंद। बोलो डन है सबको बात, ऑनलाइन लाइव सुनाई दिखाई दे रहा है, वापस से बताएंगे। तो लास्ट पॉइंट लिखेंगे इधर क्या, ए बी हो गया, सी बताइए, सी क्या बताया था, एक एक्स्ट्रा पॉइंट जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, अभी नहीं, ऑनलाइन लाइव प्लीज बताएंगे। सी लिखेंगे प्लीज एवरीबॉडी, वॉइस एको नहीं हो रहा है तो मैंने ठीक कर दिया शायद, मतलब ये क्या, री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड, मतलब पैसे वापस बांटना, जिनसे लिए थे उनको पैसे वापस करना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। हेडिंग नंबर कौन सा था ये, नहीं हेडिंग नंबर क्या था, वन। हेडिंग नंबर टू, लास्ट हेडिंग फॉर टुडे, ऑलरेडी आपका 1 घंटा 45 मिनट हो चुका है तो मुझे छोड़ना पड़ेगा अब आप लोग को, फटाफट लिखिए लास्ट हेडिंग फॉर टुडे, हेडिंग नंबर टू, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, मतलब ये क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिखेंगे ए, बताइए क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट बताइए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बताइए कंपनीज का वेल्थ इज, कंपनीज वेल्थ इज व्हाट बताइए, कंपनीज वेल्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू। व्हाट डू मीन बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू सर, शेयर प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, यानी शेयर प्राइस, अल्टीमेटली क्या बोलेंगे, शेयर प्राइस, एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर, एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर, एक टोटल और एक पर शेयर, क्या डन है। तो व्हाट इज आवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सर, दिस इज आवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, दिस इज आवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। एंड व्हाट इज आवर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव सर, बोलिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और दूसरा बात बोलते हैं कॉस्ट मिनिमाइजेशन, दिस इज आवर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने में मदद करना है, बट दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर, this objective is not the only factor. Profit maximization slash cost minimization is one of the factor influencing wealth maximization objective. बट ध्यान रखना ये ओनली नहीं है, मतलब इसी के वजह से वो हो रहा जरूरी नहीं। बोलिए आज के क्लास का तात्पर्य यहां तक क्लियर है, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं कब अगला दिन बताइए, परसों, क्या है परसों, सैटरडे ना, आज अपने थर्सडे को बैच चार्ज स्टार्ट किए, अपने सैटरडे को कंटिन्यू करेंगे इसका डिस्कशन को, और मैं आपको आगे की बातें बताऊंगा कि अब जैसे हमने बैलेंस शीट देखा, पीएल कैसे देखते हैं एफएम में। डन है सबको, टाटा बाय बाय एवरीबॉडी, होप यू एंजॉयड दिस सेशन, और हम सैटरडे को वापस बेसिक्स क्लास कंटिन्यू करेंगे। बुक्स के लिए अभी वेट करना होगा आपको, प्रिंटिंग में है, जैसे ही बुक्स आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा कलेक्ट करने के लिए, और कुरियर भी लग जाएगा जिनको जिनको जाना है। टाटा बाय बाय।